सावन बुजुर्ग नाम तेरा के लिए जोरदार तालियां। आमीन। हम इस वक्त प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे खुदा के खादम आसफ रफीक के साथ। आसमान खुल जाएगा, जाएगा आसमान खुल जाएगा,
यीशु नासरी का नाम, यीशु 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 नाम। आसमानी फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे, आसमानी फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे, लोग जो दिल से तुम ये सुनासरी लंगड़े चल कर जाएंगे, पल पल में बहरों के कान फिर खुल जाएंगे, ईमान रखो जो तुम ये पहाड़ हिल जाए नजात का, हर गुनाह से नजात का, आज ही नजात का, हर गुनाह से नजात का, बोले मेरे पीछे, आज ही दिन नजात का, हर गुनाह से नजात का, आज ही दिन नजात का, हर गुनाह से नजात का। देखो दरिया है बह रहा, आज अबदी हयात का, देखो दरिया है बह रहा, आज अबदी हयात का, देखो दरिया है बह रहा, आज अबदी हयात का, देखो दरिया है बह रहा, आज अबदी हयात का। उसमें जो भी नहाएगा मौत से वो बच जाएगा, इसमें जो भी नहाएगा मौत से वो बच जाएगा, लोगे जो दिल से ये सुनासरी का नाम, ये सुना, ये सुना, ये सुना।
यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह क्वेर कहे यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें। हालेलुया, अपने लिए खुदा मांगना शुरू करें। कोई तेरे जैसा। और इसी दौरान मैं खुदा के खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील को दरख्वास्त दावत देता हूँ, वो स्टेज पर आएंगे और कलाम की खिदमत करेंगे। Hallelujah, 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 सब अपने हाथों खुदा का, क्योंकि जब हम शुक्र करते हैं तो खुदा का रूह जो है वो हमारी रूह के अंदर, हमारी जबान के वसीला से, हमारे जिस्म और हमारी अक्ल और हमारी रूह के वसीला से, हमारे जज्बात के वसीला से हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। कोई जबान खामोश ना रहे। शुक्र करना रास्तबाजों को जेबा है, याद रखें। जिस तरह प्रस्तुत करना, इस तरह शुक्रगुजारी भी जो खुदा के लोगों के अंदर से निकलती है। जाएंगे आप देखेंगे खुदा की बरकत और कुदरत यहाँ पर बढ़ती जाएगी और खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा, क्योंकि खुदा शुक्रगुजार दिल से खुश होता है
वो मांगता भी यही है कि खुद उसके हजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजरानी जाएँ। अब मिलकर खुदाम का शुक्र करें, खुदाम की सताइश करें और खुदाम को कहें हालेलुया, तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, तूने हमारी ज़िंदगी में आए खुदावंद हमारी औकात से, हमारी सोचों से, हमारे खुदावंद सारे हालात से बढ़कर हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम इसके लिए तेरा शुक्रगुजारी करने के लिए आए हैं खुदा। हम तू जानता, हम तुझे सजदा करने के लिए, तुझे मुबारक कहने के लिए, तुझे ऊंचा करने के लिए तेरी बारगाह में दाखिल हुए हैं आज खुदा। हम सारी जगह पर हमने तेरी बरकत मांगी हुई है और हमारा ईमान है कि तेरी बरकत का दरिया जारी हो चुके हैं खुदा। हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। आओ ज़ोरदार तरीके से बनी इसराइल की तरह तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, खुदा की प्रस्तुति करते हुए इस बात का इकरार करें कि शुक्रिया हवादाई करो, खुदा ने हमें भी गुनाहों से निकाला, हमें दुनियादारी से निकाला। अगर आप नहीं निकले तो आप अभी यीशु का लहू ले लें, बर्रे का लहू अपने ऊपर लेना शुरू करें और आप भी उनकी तरह निकल आएंगे। और अभी आप मिलकर आओ हम शुक्र करेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक, हालेलुया, उस सबूर के मुताबिक जिसमें फ़राउन का जिक्र है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अजीब तरह से खुदा ने लोगों को आज़ाद किया था, हमें भी आज़ाद किया हुआ है। हम में से बहुतों ने खुदा के बड़े बड़े तजर्बे किए हुए हैं, ज़्यादा लोग वो हैं जिनको खुदा के तजर्बे हो चुके हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में भी या उनके घरों में, उनके चर्चेज में, हमारे दरमियान यहाँ पर फर्स्ट मंडे को। आइए अपने हाथ उठाकर तालियाँ बजा बजा कर खुदा का शुक्र करना, हमारे के साथ मिलकर कोई जबान खामोश ना रहे, कोई खादम खामोश ना रहे। शुक्रिया हवादाई करो, शुक्रिया होवा दाही करो करो, शुक्रिया शुक्र करो तुसी ओ ताजे है खुदा ता खुदा, शुक्र करो तुसी ओ ताजे है खुदा ता खुदा। शुक्र करो तुसी ओ सेदा, शुक्र करो तुसी ओ सेदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत दिखते रहमत है सदा, शुक्रिया करो करो शुक्रिया।
कटे मिस्रों इसराइल रहमत और है सदा ही करो जिस गुलजम दो ही से करके ले इस्राइल पार लगा फौज सने इसी शुक्रगुजारी की दुआ में आगे बढ़ते हुए सब के सब दुआ करते रहेंगे। और आप याद रखें कि खुदा की इतनी शुक्रगुजारियां हैं, आप एक एक बात पर गौर करें तो जब आप लंगड़ों को अंधों को ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना खुदा का शुक्र है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ख़ास तौर पर जब आप ऐसे ऐसे बीमारों को देखते हैं जो जिनको देख कर आपको तरस आने लगता है। कल हम अस्पताल में गए थे किसी के लिए दुआ करने और वहाँ पर लोग तरसे हुए थे और वो हर कोई सहारा ढूंढ रहा था कि किस तरह से खुदा मुझे इस बड़े मुसीबतों में से मुश्किलों में से निकाले। और खुदा ने आप पर रहम किया है, फजल किया है। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम हमारे प्यारे भाई जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ब्रदर शफकत याज से के वो आएंगे और हम सब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ में हमें लीड करेंगे। हम सब शुक्र करेंगे, जो जो आपके दिल में आता है उसके लिए शुक्र करें। अपनी ज़ात के लिए शुक्र करें, अपने जिस्म के लिए शुक्र करें, अपने घराने के लिए शुक्र करें, अपने वसाइल के लिए शुक्र करें, अपनी सेहत के लिए शुक्र करें, अपने जिस्मानी जितने भी खुदा ने खाने पीने और रहने के लिए आपको जगह दी बेशुमार लोगों के पास ये नहीं है। और उसके साथ साथ खुदा ने जो जो बरकतें आपको दी हैं उसके लिए शुक्र करें। इससे भी बढ़कर आप खुदा की रूहानी बरकतों के लिए शुक्र करना शुरू करें। खुदा से कहें कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं, तूने हमें अपने बेटे बेटियों में शामिल किया है। खुदा के पाक रूह के लिए शुक्र करें, खुदा के इस मुकर्रर करदा वक्त के लिए खुदा का शुक्र करें, क्योंकि जैसे जैसे हम शुक्र कर रहे हैं मैं खुदा की कुदरत और जलाल को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ और मैं खुदा की कुव्वत को आगे आगे बढ़ती जाती है। आइए दुआ करें सब के खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है तेरे बड़े बड़े कामों के लिए जो खुदा तूने हमारी जिंदगी में किए। हम तेरा शुक्र करते हैं। हो भी हथा लाखा था तू अजल से और भी हथा लाखा था कमाता, तूने हमारे हिफाजत निगाबानी का जिम्मा लिया हुआ है। तेरा शुक्र हो, हम तेरे नाम से खिलाते हैं, हम तेरे बेटे यीशु के खून खरीदे हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं उसके बेशकीमत खून के लिए जो सलीब पर बहाया गया और जिससे हमारी तेरे तक रसाई हुई। हम तेरी फर्जंदियत में आए, हम तेरा शुक्र करते हैं इस फख्र के लिए कि हम खुदा तेरे बेटे और बेटियाँ हैं। और जी भी तो नहीं अल्लाह का तासा आए वापस मानी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद हमें सेहत तंदुरुस्ती और सलामती बख्श दिया खुदावंद, और एक नए साल में हमें कदम रखने का फजल बख्श दिया। रखा माही था अल्लाह का तासा गुज़श्ता साल के लिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद। गुज़श्ता साल को अप्स एंड डाउन्स आए खुदावंद, बड़े हमले हुए और खुदावंद बहुत से लोग तेरे पास चले गए। और एक भी अथला खुदा आसमानी बाप, ओ तेरे खादम तेरे हजूर में तेरे
पास खुदा तेरे आराम में दाखिल हुए, हम खुदा उनकी जिंदगियों के भी लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े खादम तेरे पास चले गए, लेकिन खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तूने हम न चीजों को अब तक जिंदा रखा ताकि हम तेरे नाम को जमीन पर जलाल दे सके। हम तेरा जानते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियां खुदावंत तेरे तरफ से मसा है, मखसूस है खुदा, ताकि जमीन पर हम तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा कि जिंदगी की सारी नेमतें तूने मुहैया किया। बहुत से लोग हैं जो इस नेमतों से महरूम है खुदा, लेकिन तेरा फजल तेरी कुदरत हम पर है, तूने एक नया साल हमें बख्श दिया खुदा। आए बाप आसमान इस नए साल पर हम तेरा शुक्र अदा करते हुए इस साल के लिए तेरे से बरकतें मांगते हैं। रिख भी था इस जगह से खुदा, जो तूने बड़े बड़े मौजूद किए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस साल भी खुदा तूने खुदा अपने नाम को जलाल बख्शा। हम तेरे खादम प्रोफेसर अलेक्जेंडर शशीद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदा उसके अहलिया दीबा के लिए तेरा शुक्र हो, उनके बेटों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, एक एक तेरे पास्टरों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जी की भी खुदा सारी इंतजामिया के लिए जो खुदा इस जगह को तैयार करती है खुदा, हम तेरा शुक्र हो। खिदमत का जो काम खुदा तेरे जोर में अंजाम दिया गया तेरा शुक्र हो। अरे वापस मानिए इस साल जब शुरू हुआ हम तेरे जोर में बड़ी आसीन सारी से मिन्नत करते हैं खुदा, भी धो लिया अपने पाक रूह का एक एक मसा दे दे खुदा, एक एक मसा एक एक जिंदगी पर मसा आ जाए खुदा, ताकि एक नई कुएं से नए वलवल से नए खुदा रोया से तेरे हुजूर में हम काम कर सकें। हमारी सारी कमजोरियां तेरे बेटे यीशु के खून में धुल जाएं खुदा, हमारी गलतियां खुदाएं धुल जाएं खुदा, हम खुदा तुझसे कुवत मांगने आए हैं। आज अपना वो कलाम बख्श दे खुदा अपने खादम के सिला से जो हमारी जिंदगियों में कस से बरकत, हमारी तरक्की का बास, हमारी जिंदगियों को तोड़े, हमारी खुदा कमजोरियों को हम पर जाहिर करे, वो काम जो गुज़श्ता साल नहीं कर पाए इस साल खुदा हमें मुकम्मल करने का फजल बख्श दे खुदा, अपनी खिदमत के लिए तैयार कर खुदा, नौजवान बेटियों को बेटों को और बुजुर्गों को एक एक को खुदा तो आज अपने पाक रूह से मामूर करके अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, लैम फेलोशिप जो इंटरनेशनल तेरा काम कर लिया, हम जानते हैं कि खुदा ये रोया तूने अपने खादम को दी, और वो रोया जिस तौर से फैली खुदा उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोग खुदा तेरी खिदमत के लिए आए, बहुत से लोगों को तूने अपने पाक से मामूर किया, और बहुत काम खुदा तूने अब भी करने के लिए हमें तैयार कर दे खुदा। खुदा एक खेत तेरा है, हम तो मजदूर हैं खुदा, मुझे खुदा तूने जो बरकत दिया तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अपने खादिम के सिला से जो खुदा मेरे घराने को बरकत दी तेरा शुक्र अदा करते हैं, मेरी बेटियों को बरकत दी तेरा शुक्र खुदा, मेरे खानदान को बरकत दिया, गुज़श्ता साल सारी बरकतें जो तूने मुझे दी खुदा, जो मुमकिन से नामुमकिन बना दिया तेरा शुक्र हो। वो अंधेरे जाते रहे हैं, वो तारीखियाँ छट गई हैं, और खुदा नई सुबह तैयार हो गई है, नई रोशनी हमारी जिंदगियों में खुदा तूने बख्श दिया। खुदा इस जगह पर अगर कोई बीमार है कमजोर है लाचार है तुझे नहीं जानता, उन सब के लिए अब दुआ करते हैं खुदा, मैं खसूसी तौर पर खुदा तेरा तू खुदा हम देख के कुछ तोड़ डाल खुदा, शख्सी तौर पर कबूल करने का फजल बख्श। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी जाती रहे तेरे कलाम के सिला से खुदा, तेरे खादम की दुआओं से खुदा, जो यहाँ पर मौजूद है एक नया काम आज खुदा हमारी जिंदगी में, पुरानी चीजें जाती रही देखो एक नया काम होगा खुदा यीशु के नाम से। हाँ खुदा इस जगह के चारों तरफ अपने फिस्तों के बाहर लगा दे, अपने लोगों को खुदा संभाल, और खुदा अपने खादम को वो कलाम बख्श दे जो आज हमारी जिंदगियों में ताजगी लेकर पाकरू का मसा लेकर आए, पाकीजगी लेकर रासबाजी से भर जाए खुदा, तेरी पाकीजगी के लिए हम अपने आप को तैयार करें खुदा, अपनी आमद के लिए हमें तैयार कर खुदा। अरे बाप आसमान जबकि तू जल्द आने वाला है, हमें से एक एक को खुदा ये फजल बख्श दे कि हमारी आंखें तेरी तरफ लग रहे और हम अपने आप को तैयार कर सकें खुदा, अपने खादिम के सारे घराने को बड़ी बरकत दे, एक एक तू ब्लेस कर खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताश हो, तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले,
तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट जरा खड़े रहिए। भाई शफकत और मैं पिछले 50 साल से खुदा की मोहब्बत में, प्यार में, हम भाइयों की तरह हैं। और अभी हमने लैम्पनी शुरू की थी, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाकेंट में और पिंडी में और लैम्फेलोशिप के सारे कामों में खुदा के खादम के बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हैं, और उनकी दुआएं, उनके आंसर, उनके पूरे घराने का साथ, और खुदा ने अपने बंदे को मुख्तलिफ तरीक़ों से हमेशा इस्तेमाल किया। और हम भाई की ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और खुदा ने लैम्प के वसीले से भी इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं इनकी वफादारियों के लिए। बहुत तूफ़ान आए, बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन खुदा ने इन्हें तमाम हालात में फ़तह से बढ़कर गलबा दिया। और आज क्योंकि वाकेंट में ये रहते हैं और बहुत बिज़ी होते हैं, तो आज हमारे दरमियान थे, तो मैंने ज़रूर चाहा कि मैं चाहता हूँ कि भाई आपको एक या दो गवाही देंगे जिसमें खुदा ने इनको ख़ास तौर पर छुआ और बरकत दी। खुदा ने इन्हें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि टाइम की क्या, बैठ जाइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। तो मैं भाई को कहूँगा कि 3-4 मिनट में कोई ख़ास बात जो खुदा ने पिछले साल में मौजूदा तरीके से खुदा के बंदे की ज़िंदगी में की, इसमें उनकी अपनी दुआएं होती हैं, आप भी सुन लें। सिर्फ मेरी दुआएं नहीं होती, खादमों की सिर्फ दुआएं नहीं होती, किसकी होती हैं, अपनी दुआएं भी होती हैं, अपनी डेडिकेशन होती है, अपना ईमान होता है, और उसके साथ साथ फिर खुदा के लोगों की दुआओं से मदद मिलती है। मैं भी आपके सामने अकेला अपनी दुआ से नहीं चलता हूँ, फिर ख़ानदान की दुआएँ होती हैं, फिर ख़ानदान के अलावा हमारी जो टीमें होती हैं, जो चर्चेज़ होते हैं, हमारे जो लीडरान होते हैं, उनकी दुआएं होती हैं, और फिर खुदा के मुख्तलिफ खादमों की दुआएं होती हैं, और जब वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर बड़े बड़े रिजल्ट्स निकलते हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हर लम्हा मुख्तलिफ वक्तों में अपने खादम को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सब के लिए, बेशक आपको उसका नहीं पता, बहुत ज़्यादा काम उनका जो है लैंप पे है, और हम उनकी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। क्योंकि मौका हमें कम मिलता है, मैं 5 मिनट भाई को दूंगा कि अगर वो ख़ास बात जो खुदा के दिल में चाहता है वो ज़रूर शेयर। गवाही तो बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं भाई अर्जुन सुशील, जैसे कि बता रहे हैं कि हम 1975 या 1976 से पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, और उस वक्त से हमारी मोहब्बत इस दौर से की बढ़ती गई, बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि ये हम, मेरे 3 भाई हैं लेकिन ये हमारा 4th भाई है। और ये उसी तरह जैसे मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे घराने को ब्लेसिंग और इतनी ज़्यादा है कि जब भी कभी आते हैं, एक हमारी स्पिरिचुअल रिवाइवल होता है, और मुश्किलात हैं बहुत भी आती हैं। 3 साल तालबन पहले मेरी वाइफ कमल, उसका नाम है, वो बहुत ज़्यादा बीमार, उनकी बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद किडनी इसकी डैमेज हो गई हैं और किडनी काम नहीं करेंगी और डायलिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था और फिर उनका ब्लैडर काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने मेरे पांव तले ज़मीन निकाल दी जब मैंने सुना, और डॉक्टर ने कायदे आज़म हॉस्पिटल, भाई उस वक्त बाहर होते थे जी, है ना भाई, तो ये बाहर, तो मैंने इनको कहा कि भाई आप दुआ करें, मैं रो रहा था, और कहते कि नहीं ठीक हो जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़े खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया, दुआ भाई ने की वहाँ से ही, और खुदा ने वो बीमारी जो उनके ऊपर हमलावर हुई थी उसको दुआ से, जो भाई की दुआ, आदमों की दुआ, स्पेशल भाई ने वहाँ से कहीं ठीक हो जाए, और डायलिसिस नहीं हुआ, और आज तक डायलिसिस नहीं हुआ, और खुदा का शुक्र है कि वो किडनी काम कर रही हैं। और जो किडनी का आपको मालूम है क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हाई था, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, हर चीज़ पूरा ब्लड जो है ना वो ये शो कर रहा था कि बिल्कुल, और ICU में तकरीबन 14 डेज रही, और वो हैरान थे कि कैसे अब ठीक हो कर तो अभी वापस कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, हालात ख़राब होने के उन वजह से जो इर्द गिर्द का जो माहौल था खासा ख़ानदान में प्रशन, लेकिन भाई ने कहा कि नहीं ठीक हो जाएंगे, और खुदा उनका शुक्र है कि वो अब ठीक हैं, और स्कूल में अपने ऑफिस में भी जाते हैं और बाकायदगी काम भी करते हैं, कुछ फंक्शन
फैमिली का फंक्शन वो भी अटेंड करते हैं। गुज़श्ता साल जो ये गुजरा है इसमें भी खुदा ने बड़ा काम किया मुझे मेरी फैमिली को, जो मेरी वाइफ ट्रैवल नहीं कर सकती थी अमेरिका, और मेरी बेटी के यानी राउंड अबाउट उसके 34-35 ईयर्स ओल्ड थी, तो वो शादी नहीं करना चाहती थी और वो कहती थी मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा किसी वजह से किसी जगह मंगनी हुई तो वो लड़का सही नहीं था पता चला, तो मंगनी टूट गई। माँ ने भाई मैंने स्पेशल दुआ करते थे और वो कहते कि परेशान ना हो, खुदावंत उसके लिए साल ब्लेसिंग का साल होगा, ब्लेसड होगी वो। और खुदावंत का शुक्र है कि अगस्त में वही जो शादी का इनकार करती थी अमेरिका में होती है, वो अमेरिका में खुदावंत का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे तौर से हम पूरी फैमिली उसकी शादी किया है। भाई भी अमेरिका में थे और दुआ भाई ने भी स्पेशल की उनके लिए, और बहुत ही खुदा के शुक्र है साल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और बहुत सी ब्लेसिंग है जो पिछले साल हमें कि वो ब्लेसिंग बड़े बड़े भी ऐसे वाक़यात हुए जिसमें भाई ने हमें बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं से ब्लेसिंग दी है। और तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुख्तसर ये है कि भाई हमारे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़े खादम और भाई हैं, और मेरी वालदा जो खुदा में सो गए हैं, और मेरे वालद जो हैं वो तो कहते थे कि हमारा बेटा है और चौथा बेटा है, और ये सबसे बढ़कर अभी भी हमारी फैमिली के बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। और बहन दीबा बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र है कि बच्चों को ख़ानदान को बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं खुदा का फजल है कि मुझे मुमकिन क्या कि मैं आज के इस मीटिंग में आ सकूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक मिनट ज़रा, मैं सिर्फ बहुत लोगों की तसल्ली के लिए, आपने बहुत लोगों ने यूट्यूब से या दोस्तों से अमेरिका से सुन लिया होगा कि एक चौथी वेव बहुत ज़बरदस्त आ रही है, और इस वक्त अमेरिका के अंदर दो चर्चेस से तीन से मेरी बात हुई, सारे चर्चेस जो हैं उनको कोरोना हो गया और बड़ी सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसी तरह से कैनेडा में उन्होंने लॉकडाउन बहुत जल्दी लगा रहे हैं। तो आपने घबरा नहीं जाना, अभी एक लेटेस्ट खबर आई है, पता नहीं सच्ची है कि झूठी है, कि 50 केस जो है ना वो बाहर कुनी में भी आ गए हैं, और ये बड़े सीरियस केस हैं। तो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बता रहा, आप तैयार हो जाएं, आज का जो कलाम है उससे भी आपको समझ आएगी। लेकिन आज भाई जानते हैं कि ये भाई आप जानते हैं इतना बुज़ुर्ग हैं, हम तो हम मेरे लिए ज़रा ज़्यादा वीकनेस होती है, प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये पूरा ख़ानदान ऐसे ही हुआ था, पूरे ख़ानदान को बच्चों समेत गालबन सबको कोरोना हो गया, और ये भी खूब दुआ में लगे रहे, और जब हम सबको पता लगा हम सब ने खूब दुआएं की, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि घर में से एक भी शख्स का कोई नुकसान नहीं हुआ, खुदा ने सबको आज़ाद किया, हालेलुया। तो इसलिए हमने बहुत लोगों के लिए दुआ, अमेरिका में बहुत लोगों को पूरे ख़ानदानों को हो गया था, और जब मैं दुआ करता था उनमें से सिर्फ एक शख्स था, वो 75 साल के थे और उनका टाइम हो गया था, वो खुदा के खादिम थे, वो खुदा के पास गए। बाकी बेशुमार केसेस में मैंने दुआ की फ़ोन पे, और मुख्तलिफ तरीकों से दुआ की, और बहुत लोगों ने गवाही दी, बिल्कुल सीरियस केसेस थे। एक लड़का, दो तीन तो ऐसे केस थे कि कहने लगे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो आखिरी स्टेज पर पहुँच गए। और खुदा के नाम को जलाल है कि मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में जो हीलर है, जो शाफी है, उसके नाम में कुदरत है, वो सब के सब ठीक हो गए। और खुदा का शुक्र हो कि अब भी हम आने वाले कोरोना से नहीं डरते, ये सामने गवाही है, इनके पूरे खानदान, हमें भी कहीं हुआ था लेकिन हमें पता नहीं लगा था, पिछले साल हमें शुरू जब हुआ था हमें नहीं पता लगा, लेकिन हम भी उसमें से निकले हुए हैं। इसलिए कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना, पावे जेकर हाड़ भी आवे हैं होते हैं, वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि जो सच्चे मसीह हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी है, जिनके गुनाह धुल चुके हैं, जिनको पता वो खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हैं, वो तो एक बड़े जलाल में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मैं आज सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, अभी भी आज हम दुआएं करेंगे, कुछ लोग बड़े सीरियस हैं, हमें नहीं पता, हम तो शिफात करेंगे, खुदा उनको शिफा दे, और बेशुमार लोग जो हैं वो शिफा पा जाते हैं, ज़्यादा लोग शिफा पा जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने 100 केसेस पर दुआ की कोरोना वालों को, और उसके बाद तबले वाला ज़रा प्लीज़ आ जाए, तो याद रखे थे वो क्या हुआ भला, उसमें आपने खुदा की मर्जी थी, दो तीन चले गए, बाकी सारों को खुदा ने शिफा दे दी, मेजॉरिटी को खुदा शिफा दे देता है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में जीप काम करता है, और सिर्फ मेरे वसीला से नहीं, दुनिया में लाखों लोगों के वसीला से
हमारे यहाँ पर बहुत से खादम और खादमाएँ बैठे जिनके सिरे से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है और खुदा अपने नाम को जलाल दे रहा है। जलाल यीशु का है। मैं और कोई और शख्स जो है वो मौजज़े नहीं करता। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, हम खुदा के हाथ में औजार हैं। आप भी हैं, आप भी अपना आप खुदा को दे दें, खुदा आपको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। शायद आप स्टेज पर ना आए, यहाँ पर बहुत से स्टेज पर नहीं आते और दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो स्टेज पर कभी नहीं आए, लेकिन उनके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम कर रहा है। इसलिए जलाल किसका है? किसी बड़े खादम का नहीं है, खादमा का नहीं है, स्टेज वालों का नहीं है या बड़े नामों का नहीं है। किन का जलाल है? किसका है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह नासरी का। याद रखिए कि आपको तैयार रहना है दोनों चीज़ों के लिए। अगर हमारे पे बीमारी पहली बात आएगी नहीं, ये मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, और ये दूसरी वेव जो है खुदा के फजल से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आप इसके लिए घबराएं नहीं, ये आएगी और ये चली जाएगी। ये बड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और हमारे मुल्क में भी दाखिल हो गई है। तो याद रखिए कि फिर से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं, इससे घबरा नहीं आपने जाना। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी कीजिए, तो इसलिए याद रखें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में तैयार रहना है। किस बात के लिए? चैलेंजेस के लिए। अगर बीमारी आती है अपने ईमान पर खड़े रहना है कि ये वबा मेरे नज़दीक नहीं आएगी। और जब आप ईमान पर खड़े रहेंगे तो सिर्फ ईमान पर खड़े नहीं होना, साथ एक्शन भी करना है। आपने केयर करनी है। मैं बहुत केयर करता हूँ। मैं कोरोना में आपको मैंने गवाही बताई थी कि मैं पिछले साल खुदा के कहने पे सारा कैनेडा बंद था, किसी के घर नहीं, मुझे खुदा ने कोरोना में वहाँ भेजा और मैं वहाँ पर गया और मैं जाना नहीं चाहता था और खुदा ने मुझे बचाया और खुदा ने मुझ पर रहम किया। आप याद रखें कि खुदा ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होने दिया और सारे लोग हैरान थे कि इतना बुजुर्गी में ये इतना भागे फिर रहे हैं और सारे कोरोना वाले घरों में जा रहा था और मैं दुआ करता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये याद रखें कि मैं केयर भी करता हूँ साथ, जब मैं जाता था मास्क लगाने हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर ऐसी फिजा हो जाती है तो आपने अगली दफ़ा मास्क लगा के आएँ, आप इंतज़ाम करें और आप बिल्कुल, हम सैनिटाइज़र भी यहाँ इंतज़ाम कर देंगे। अगर ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो हम फर्स्ट मंडे करते रहेंगे, अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो हम आपको बता देंगे, हम चर्च में करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम करें, ताकि कुछ नहीं होता अगर हम केयर करें, दुआ करें, ईमान लाएँ, कोरोना नहीं कुछ भी हमारा कर सकता। आमीन। और अगर आ भी जाए तो फिर वो मौजज़े में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी होता है ऐसे, जब तक मुसीबत नहीं आती मौजज़ा नहीं बनता, और जब हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दे देते हैं वो मौजज़ा बना देता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आसिफ सिंधु से दरख्वास्त है कि वो उस गीत को ज़रा, उन्होंने अभी बनाया है, कल परसों मुझे सुना था, मुझे अच्छा लगा। सब अपनी आँखें बंद कर, ये बड़ा दुआया सा गीत है, बड़ा आँखें बंद करके खुदा में खो जाएँ और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब उस मंजर को याद करेंगे जब हम खुदावंद यीशु के पास होंगे, क्योंकि पौलुस कहता है अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब हम पास होंगे तो उसे रूबरू देखेंगे और जी भर के देखेंगे। हालेलुया। आप दुआ भी कर सकते हैं कि खुदा इस गीत के दौरान ही आपको अपना नज़ारा दिखाना शुरू कर दे, रोया दिखाना शुरू कर दे, खुदा आपकी रूहानी आंखें खोल दे और खुदा आपके साथ कलाम करना शुरू कर दे। हालेलुया। अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा, अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा, मिलेंगे जब रूबरू तो होगा खूब नजारा। अभी तो सब मिलकर कहें, हाथ उठा कर कहें, दिखाई दे मसीह हमारा, गाएंगे। अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा,
दिखाई दे मसीह हमारा, मिलेंगे जब रूबरू तो होगा खूब नजारा। अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा, अभी तो धुंधला सा। सब कहें हाथ उठा दिखाई दे, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उसको कहें हमारा बनेंगे हम भी वैसा के जैसा वो बना, बनेंगे हम भी वैसा के जैसा वो बना के जैसा वो बना। दिया जो है उसने हम सबका पाप कफारा, दिया जो है उसने हम सबका। अगर आपका कफारा दी है तो बोलिए दिया जो उसने हम सबका कफारा। अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा, अभी तो दिखाई दे मसीह हमारा। धड़कन हुई तेज आंखें ऊपर तो उठी, दिल की धड़कन हुई तेज आंखें ऊपर तो उठी, नरसिंगे का वो नारा सुनता हूँ मैं जो नरसिंगे का वो नारा। अभी तो सारे गाएंगे धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा, अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा। मिलेंगे जब रूबरू तो होगा खूब नजारा। अभी तो धुंधला सा दिखाई दे मसीह हमारा।
आइए खुदा से कहें, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तुझे देख सकें। बेशक हम रोया में देखते हैं उसको, धुंधला सा देखते हैं, इतना क्लियर हमें नहीं होता, लेकिन याद रखें कि रूह में बड़ा बड़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जी रूबरू देखने वाला तजर्बा जो है ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे हम सारों का रूबरू हम खुदाम को देखेंगे। आइए खुदाम का शुक्र करें कि हमारा खुदाम जिंदा है, जो आसमान पर भी है, ज़मीन पर भी है, और एक वक्त आएगा कि हम रूबरू उसको देखेंगे और उसके साथ मिलकर हम बात यही करेंगे। खुदाम से कहें, खुदाम आज मेरे साथ कलाम कर, मेरे साथ बोल। खुदाम मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तू मेरे साथ कलाम कर, फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियाँ सुनने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग तर पा लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच आसिफ के लिए भी और अपने बेटे काशिफ के लिए, जिसने खूबसूरती के से हमारे प्रस्तुति भी की है और तबला भी बजाया है। हम खुदाम का शुक्र करते हैं। आइए आज का जो मजमून है, नंबर वन, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और जितने लोग भी इस आवाज़ को किसी भी तरह से सुनेंगे उन सब के लिए ये मैसेज है। गॉड हैज़ टोल्ड मी दिस इज़ अ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। खुदा ने कहा है कि ये साल जो है वो क्याम और तरक्की और वसी होने का साल है। तरक्की का मतलब है वसी हो जाना, फैल जाना, बढ़ जाना, और खुदा जो है हमारी ज़िंदगी में हमें कायम करेगा। और मैं आज जो मज़मून पेश करने वाला हूँ वो यही है कि हम किस तरह से इसमें से गुजरेंगे, हमारे साथ होगा क्या। बहुत से लोग ये समझ बैठे हैं कि बड़ा आराम होगा और आराम से हम कायम हो जाएंगे और फिर एकदम से हम ग्रो कर जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। तो याद रहे कि खुदा के कलाम के मुताबिक जो क्याम है कायम होने के लिए दो हिस्से होते हैं। एक होता है पहले लोग तरक्की करके फिर वो कायम होते हैं, और कुछ लोग हैं जो खुदा में पहले कायम हो जाते हैं और फिर कायम होने के बाद बढ़ते हैं। जो लोग जिनकी फाउंडेशन पहले बनती है, जिनकी बुनियाद पहले बनती है, क्याम पहले होता है उनका और फिर वो फैलते हैं, तो उन वो कभी गिरते नहीं हैं, याद रहे, क्योंकि उनकी बुनियाद जो है ना वो मज़बूत हो जाती है। और खुदा ये चाहता है कि साल में हमें कायम करे, हमें क्याम बख्शे, हमें खूब इस्टेब्लिश करे, और इंग्लिश में इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ, ये गुस्सा इस खुदा का खास के साल है। कल कन्फर्म हो गया, रात को मुझे किसी ने फ़ोन किया बाहर के मुल्क से और मुझे बताने लगा कि मैंने बहुत से नबियों को सुना है पूरी दुनिया के, और वो भी यही कह रहे हैं, लफ्ज़ फ़र्क है लेकिन कुछ ने तो एग्जैक्ट मेरे वाले वर्ड्स कहे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि पाखरू ने बताया कि इस साल में हमने कायम होना है और हमने बढ़ना है, हम रुक नहीं जाना। और आज जो हमारा मेरे पास मजमून है, खुदा ने इसी तल्लक से दिया है, याद रखें, एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ इन टेस्टिंग पीरियड्स, आजमाइश के दौरान आप किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, आप कायम हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये जो लफ्ज़ हम इम्तिहान या आजमाइश बोलते हैं, हमें आजमाइशों के लिए खुदा ने नहीं कहा कि आजमाइश को नहीं आएगी, किसी ने कोई ऐसी नबूवत नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि आजमाइशें आती हैं, आती रही हैं, आती रहेंगी। लेकिन आज हम इसके तल्लक से सीखना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो टेस्टिंग है या आजमाइश है या टेम्पटेशन है, इसके लिए तीन मुख्तलिफ लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल किए गए हैं, और हम हर जगह आजमाइश ही लफ्ज़ पढ़ते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल तर्जमा है उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ये नहीं मतलब कि तर्जमा गलत हो गया, लेकिन उसकी सेंस थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है, बड़ी मुश्किल सी, आप अभी समझ आएंगे, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें पहली बात याद रखें कि जो बाइबल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है 34 ज़बूर उसकी 8 आयत में, 34 ज़बूर 8 आयत में लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। याद रखें कि बहुत से लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि खुदा के कलाम में तो लिखा है यीशु ने शैतान को कहा था कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, और यहाँ पर लिखा है कि आजमा कर देखो, क्या दाऊद और यीशु मसीह एक दूसरे को उल्ट बोल रहे थे? बिल्कुल उल्ट नहीं बोल रहे थे, यहाँ पर लफ्ज़ आजमाना है ही नहीं है। यहाँ पर जो इंग्लिश का तर्जमा है और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट का रानी में तर्जमा है, उसका मतलब ओ टेस्ट एंड सी, आप किसी चीज़ का मज़ा चखना चाहते हैं, आप उसका तजर्बा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको कहता है आपके घर में जी बहुत अच्छे चावल बने हैं, बहुत अच्छा हलवा बना है, बहुत अच्छी कोई चीज़ मिली है, तो आप इसको खाएं और टेस्ट करके देखें, तजर्बा करें, दूर दूर से खुशबू लेकर खुश ना हों। दाऊद ये कह रहा है कि हमें खुदा का तजर्बा करना चाहिए, और हम खुदा का शुक्र करते हैं पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ के क्लियर हो चुका है आजकल यूट्यूब के वसीला से कि सिर्फ मसीहत वाज मज़हब है,
मसीहतवाद एक ऐसी खुदा का प्रोग्राम है जो खुदा की तरफ से है और जिसमें खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है और जैसे वो कल काम करता था आज भी कर सकता है। अगर खुदा पुराने ज़माने में निजात देता था तो अब भी निजात देता है, और अगर खुदा पहले मौजज़े करता था अब भी मौजज़े करता है, अगर खुदा पहले लोगों को मिलता था अब भी मिलता है, अगर पुराने ज़माने में नबी थे तो अब भी नबी हैं। सिर्फ फ़र्क यह है कि नबियों की बेसिकली तीन किस्में बनती हैं। एक वो मसीह की आमद से पहले जिन्होंने तैयारी की, और मसीह के जब मसीह दुनिया में आया उस वक्त भी कुछ अंबिया का जिक्र है, और याद रखें कि उनका भी जिक्र है। और उसके बाद तीसरी किस्म के हैं जो मसीह की आमद के बाद कलीसिया में तमाम दुनिया में तमाम ईमान जो रूल कुदस से भर जाएंगे, उन पर पाक रू नाजिल हो जाएगा। अब हर शख्स जो है वो खुदा की कॉल में आ सकता है और प्रोफेटिक हो सकता है, यानी रूल कुदस की तरीक से बोल सकता है। इसलिए मसीहतवाद मतलब इसे खुदा को टेस्ट करके देखो, खुदा को टेस्ट असल में करके देखो, टेस्ट नहीं है, आप उसको चेक कर देखो कि खुदा कैसा मेरे पास। दूसरी किस्म जो है उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है हम यकू में पढ़ते हैं कि खुदा बदी से नहीं आजमाया जाता, खुदा बुरे काम से किसी को आजमाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि इब्राहिम के लिए खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम किताब मुकदस में से पढ़ें तो हम देखते हैं कि जेनेसिस 22:1 खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, यानी कि पैदाइश की किताब उसका 22 बाब पहली आयत, खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। एक तरफ तो लिखा हुआ है यकूब ने कि आजमाता ही नहीं है, और पुराने याद है अमेरिका के खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। अब ये तर्जमा थोड़ा कमज़ोर है, जब इसको ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उसका जो मतलब मैंने देखा तो वो है टेस्ट किया। टेस्ट में और टेम्पटेशन में आजमाने में क्या फ़र्क है? टेस्ट जो होता है प्रमोशन के लिए दिया जाता है, अगर आपका टेस्ट नहीं होता तो आपकी बढ़ोतरी नहीं होती, आप अगले लेवल पे नहीं जाते। अगर आपका इम्तिहान नहीं होता तो इम्तिहानों से पास होने के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है। दोनों में मकसद फ़र्क है, याद रखें। इसमें खुदा हमारी ज़िंदगी में टेस्टों को आने देता है, क्योंकि आज किसी का सवाल भी होगा खुदा उन्हें इतनी मुसीबत क्यों आने जाता, टेस्ट क्यों आने जाता, बीमारियों क्यों आने देता, वबाएँ क्यों आने देता है, और हमें कभी कभी गुर्बत क्यों आता है, कभी कभी मेरी नौकरी चली जाती है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बीमारियाँ मुसीबतें मुश्किलें लड़ाई झगड़े पता नहीं क्या क्या आ जाता है, और कभी कभी हमारे मुल्क में तूफान आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, तो ये क्यों खुदा होने देता है? खुदा ये चाहता है, आगे चलकर हम सीखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे निकलता है, इसमें से फ़ायदा क्या होता है। आगे चलते हैं, तीसरी जो किस्म है उसमें आपने बहुत दफ़ा पढ़ा और आपको इसका पता है, अगर आप काशवा की किताब उसका 2:10 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हें शैतान आजमाएगा। शैतान भी आजमाता है, वो आजमाने वाला, उसका नाम ही आजमाने वाला है, आजमाइश डालने। आजमाइश का क्या मतलब? उर्दू में आजमाइश का जो सही मतलब है ना, टेम्पटेशन है इंग्लिश में। टेम्पटेशन का मतलब है कि शैतान आपको गिरा कर आपको बर्बाद करना चाहता है, और शैतान आप पर ऐसी ऐसी आजमाइशें डालता है ताकि आप गुनाह में गिर जाओ। यीशु को भी उसने जो आजमाया था शैतान आजमा रहा था, काहे के लिए आजमा रहा था? उसको खुदा की मर्ज़ी से बाहर निकालना चाहता था, और खुदा की मर्ज़ी से बाहर निकाल के उसको डिमोट करना चाहता था, उसको इस काबिल ही ना रहता। अगर अब यीशु में गुनाह आ जाता और यीशु मसीह शैतान की बात मान लेते तो फिर यीशु मसीह ने कामल इंसान नहीं रहना था, कामल बर्रा नहीं रहना था, कुर्बान नहीं होना था। शैतान जो है जब टेस्ट होता है, आप याद रखें कि खुदा अपने लोगों को टेस्ट होने देता है, टेम्पटेशन में वो जाने देता है, क्योंकि खुदा को पता है, खुदा ने चैलेंज कर दिया था अपने एक बंदे अय्यूब के लिए कि उसकी ज़िंदगी के अंदर बदी और गुनाह नहीं आएगा, और वो बिल्कुल हालांकि उसका सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन वो खुदा के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, उसने खुदा के नाम से इनकार नहीं किया, उसने खुदा के प्यार से इनकार नहीं किया, वो खुदा के सामने झुका रहा और खुदा को पुकारता रहा, जितनी उस वक्त के हिसाब से उसको सेंस थी, जितना उसको तजर्बा था। याद रखें शैतान जो है वो हमें आजमाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि याद भी आप पढ़ लें तो आपको पता लग जाए, मकाशवा की किताब में हम इस बात को देखते हैं 2 और खुदावन ने वहाँ पर बताया है 2 की मकाशवा 2 और उसकी 10 और यहाँ पर हम देखते हैं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसका मतलब है खुदा इजाज़त देता है, आपको ये पता है कि रूल कुदस खुद यीशु मसीह को ले गया ताकि वो शैतान से आजमाया जाए, ताकि शैतान को शिकस्त दे सके। खुदा हमारी ज़िंदगी में कभी कभी अबलीस को इजाज़त है, कभी कभी, और अबलीस जो है वो कई वजूहत से आता है।
एक वजह ऐसा था, जब हम गुनाह करते हैं तो हम खिड़की खोल देते तो वो आ जाता है। इसके लिए यकूब ने कहा है अबलीस को मौका ना दो। पलूस ने भी कहा है अबलीस को मौका ना दो। याद रखें अबलीस जो है वो खुद भी आ सकता है और वो हमारी गलती से आता है जब हम दरवाजे खुले रखेंगे। और शाम को हमारे घर में दो औरतें घुस गईं और चोर नहीं थी, वो घर ढूंढ रही थी तो पता नहीं क्या हमारे घर में आके तो कड़कड़ाती रहीं, तो मैं और दीपा थे तो मैं भी वाशरूम में था, वो भी वाशरूम में था, उन्होंने अंदर घुसाई हमारे। तो बाद में उनमें से एक वाकफ थी तो कहती ये घर ढूंढ रही है आपको उनके फलाने पादरी का घर पता, मैं नहीं हमें नहीं पता। तो मतलब यह था कि हमने दरवाज़ा खुला रखा हुआ था। जब आप दरवाजे खुले रखेंगे तो आप कोई भी दुश्मन भी और अच्छा आदमी और गलत आदमी भी अंदर आ सकता है। बस का था हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह की वजह से मौका देते हैं तो हमें कैसे दाखिल होता है शैतान, जब हम अबलीस को मौका देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने घरों में अपने कोई भी ऐसा काम करेंगे जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, आप जब शैतान के लिए दरवाजे खोलेंगे तो शैतान आपकी ज़िंदगी में आकर काम कर सकता है। दूसरी बात, शैतान धोखाबाज भी है। शैतान जो है वो पूछ पूछ के नहीं आता, वो चोर भी है, लिखा हुआ है वो चोर है और चुराने को आता, मार डालने को आता, हलाक करने को आता है। चोर पूछ के नहीं आता, अगर आपने ज़रा सी भी एहतियाती की तो अगर आपको समझ ना आई तो वो आ जाएगा। आपको पता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो सादा लोगों को ज़्यादा धोखा देते हैं, धोखाबाज लोग। मेरी ज़िंदगी का बहुत तजर्बा है, धोखे खाने का बहुत बड़ा तजर्बा है। और याद रखें कि जो धोखाबाज लोग हैं सादा लोगों को ढूंढते हैं, हमें सादा नहीं रहना। यीशु ने क्या कहा है कि क्या करें, कबूतरों की मानंद भोले रहो और सांपों की मानंद चलाक रहो। दुश्मन जो सांप है उसकी एक खूबी है, उसमें बड़ी बुराइयां, सब बुराइयां हैं, शैतान की तस्वीर है वो, लेकिन एक उसमें खूबी है, शैतान जो ये सांप होता है ना, इसमें एक खूबी है, ये अपने दुश्मन का बड़ा सेंसिटिव होता है, अकलमंद होता है, चलाक है, तेज है कि कोई इस पर हमला ना करे एकदम से। तो हमें खुदा ने कहा हमें होशियार होना, ये वाली अच्छी खूबी है। ये नहीं कि हमने सांप की तरह बन जाना है, बुरे बन जाना, शैतान की तरह बन जाना, नहीं, उसमें से एक खूबी की बात यीशु कर रहा है। इसलिए खुदा ने बकायदा मेरे साथ ये कलाम किया कि तुमने भोले तो रहे हो, तो हमने भोले नहीं रहना, हमने अपने दुश्मनों को, और कौन सी किधर से शैतान आता है, किस बहन के वसीले, किस भाई, किस रिश्तेदार, किस फंक्शन के वसीले, किस पैसे के वसीले, चीज़ों के वसीले, और ज़रा सा हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा आता है तो शैतान जल्दी से लड़के लड़कियों को इनका तो लगा देता है। सेल आए हैं तो कुछ लोग खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को शैतान ने कहा कि इसके वसीले से जो गंद आ रहा है वो ले लो, और वो गंदे हो गए हैं और वो शैतान के हाथ में चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को नहीं समझा, मुतात नहीं हुए। बेशुमार बड़े बड़े खादम जो हैं वो इसलिए गिरते हैं कि जब कल्चर आता है, बुरी चीज़ें आती हैं, ये बदलते रहेंगे, ये बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये कोरोना है, ये बीमारी है, ये भी एक आजमाइश है, ये आगे चलकर बताऊंगा कि ये सारों के लिए। और क्या है, अगर हम मुताअत नहीं रहेंगे तो हम खुदा के रूल को तोड़ते हुए हम इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए हमने चलाक बनना, होशियार बनना, हर चीज़ में, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, हमने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें नहीं आने देनी। जो लोग आने देते हैं, एक और तरीका है, कुछ लोग शैतान की पूजा करते हैं, झूठे मजहबों की, झूठी तालीमों की, जादूगरों के तवीज़ धागे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके घर में बदरुएँ घुस जाती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो नहीं भी चाहते, लेकिन उनके बाप दादा की वजह से वो बदरुएँ होती हैं, इस लानतों को दूर करना पड़ता है। आपने दरवाजे बंद करने हैं। अब आपको पता लगा कि शैतान कैसे कैसे दाखिल होता है, और शैतान और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तीन चार बेसिक तरीके हैं जिससे वो दाखिल होता है। हमने उसको मौका नहीं देना, हमने होशियार रहना है। और कलाम में लिखा क्या करें कि ये हर वक्त शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता ताकि किसी को फाड़ खाए, लेकिन तुमने ईमान में कायम रहना है, तुमने कायम रहकर उसका मुकाबला करना है। फिर बाइबल में लिखा है यकूब के खात में कि खुदा के ताबे हो जाओ, तुम्हें पता शैतान से मुकाबला ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए, अगर हमारी ज़िंदगी में मुकाबला ज़्यादा हो जाता तो क्या करना चाहिए, हमने खुदा के ताबे हो जाना है। दुआ करें, रोज़ा करें, खुदा के लोगों के साथ मिलें, चर्च में जाएं, खुदा के लोगों से फ़ख्र रखें, मदद लें, और आप रूल कुदस से भर जाएं। और उसके मुकाबले में जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको पता क्या होगा, खुदा के ताबे हो जाओ, फिर खुदा आपको इस काबिल कर दे कि आप कब उसका मुकाबला कर सको। और जब आप मुकाबला करोगे तो कलाम में क्या लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ और इबलीस का मुकाबला करो, तो क्या करेगा वो, हम भागेंगे कि वो भागेगा, वही भागता है, हालेलुया। और कई दफ़ा लोगों के ऊपर बदरुएँ आ जाती हैं, वो दावत उनको दौरे पड़ते हैं, ये होता है, चीखें मारती हैं, दुख देती हैं, खा में आती हैं, तो उस वक्त भी आपने खड़े हो जाना है, खुदा के खादमों से मदद ले लेनी है, दूसरों की मदद ले लेते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं, और जैसे आप खड़े हो जाएंगे तो वो तुमसे भाग जाएगा, हालेलुया।
इसलिए हमें पता लगा कि आजमाइश जो है किसी भी तरीके से, चाहे शैतान लाए चाहे कुछ लाए, अब हम देखने लगे हैं कि ये किस तरह से ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे ये आजमाइश हम पे आती है। एक तरीका जो हमने पढ़ा खुदा के कलाम में से वो ये है कि हमें यकूब के खत में ये मिलता है पहले बाब में, उसने एक तरीका हमें बताया कि हमें कहाँ से आजमाइश आती है, बाई डिज़ायर्स, हमें अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं ना उन पर कंट्रोल बड़ा करना होता है, ख्यालों पर और डिज़ायर्स पर। ख्यालों की वजह से हमारे अंदर खुदा शैतान मुख्तलफ ऐसी ख्वाहिशें पैदा कर देता है जो खुदा की नहीं होती, और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी पुराना इंसानियत जो है, पुराना आदम जो है, गुस्से हैं, लड़ाइयाँ हैं, बदकारियाँ हैं, कुछ है कुछ है, वो अंदर बैठा होता है कई लोगों के, जिन्होंने पूरी तरह से मसलूब नहीं होते। और अक्सर ईमानदारों के साथ भी ये होता है कि वो उनके अंदर डिज़ायर्स ऐसी आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें पैदा कर देता है, वक्त के मुताबिक पैसों को, चीज़ों को, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करती हैं। जब उनके अंदर डिज़ायर पैदा हो जाती है, ख्वाहिश जिसे कहते हैं, तो कलाम में लिखा है यकूब का पहला खत अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें जेम्स की 13-15 आयत में लिखा, हम पढ़ते हैं उसका पहला बाब 13-15, यहाँ लिखा हुआ है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। देखिए यह कितनी हौलनाक चीज़ है, ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, चाहे वो पैसे की हों, लालच की हों, दुनिया की चीज़ों की हों, खाने पीने के हों, आपको शैतान मुख्तलब आपके अंदर ख्वाहिशें डालता है और वो ख्वाहिशें आपके पुराने इंसान और बदन की तरफ से आती हैं। कुछ इंसान आपकी उन ख्वाहिशों को इतना वो कंट्रोल कर लेता है कि आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर दे, दूसरों को देखकर आपको भी ख्वाहिश आ जाएगी और आप कहेंगे अरे दूसरे ऐश करते थे, मैं भी करता जाऊँ, फलाना खादम गिर गया, फलानी खादमा गिर गया, तो फिर क्या, उसको तो खुदा इस्तेमाल करता है ना, वो अभी तो अभी उसको तो खुदा ने ये दिया, उसको ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन वो बड़ा हो जाता है ख्वाहिश, और ख्वाहिश जब हमला हो जाती है तो फिर उस ख्वाहिश में गुनाह जन्म लेता है, और फिर वो जब बन जाता है पूरा तो फिर वो पैदा हो जाता है, फिर आपकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है और गुनाह से फिर आप खुदा से जुदा हो जाते हैं। कितनी ख़तरनाक बात है, हमें आज ये सीखना है जितने भी यहाँ पर हैं कि हमारी ख्वाहिशात को हमने क्या करना है, परखना है, अच्छी ख्वाहिशें खुदा के से ये करें, खुदा को मांगा करें, खुदा की ख्वाहिशें की, अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश करें। कलाम में लिखा हमें अपनी ख्वाहिशों का भी स्क्रूटिनाइज करना होता है, खुदा ने मुझे बताया कि जो लोग ऐसे करते हैं वो गालबात आके चलते हैं। फिर कैसे ख्वाहिशें आती हैं, कभी कभी बाई नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसकी वजह से भी, याद रखें हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, एक तो ख्वाहिश की वजह से आजमाइश आती है ना, जब हमारी ख्वाहिश आती है गुनाह में वो आजमाइश में गिर जाएंगे। एक हमारा और तरीका है कि दुनिया में, इसमें आप रोक नहीं सकते, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखिए ये बीमारी आ रही है पूरी दुनिया में आ रही है, मकसों पे भी आ रही है, चर्चों में भी आ रही है, मस्जिदों में भी आ रही है, मंदिरों में भी आ रही है, दुआ ना करने वाला भी आ रही है, दहरियों में भी आ रही है, ये दुनिया का सिस्टम है। जब उनचाल आते हैं पूरे शहर पर आते हैं, उसमें यह नहीं खुदा करता है कि जो खास बंदा है बंदी या खुदा के, हाँ वो बच सकता है, आगे बताऊंगा मैं इसमें से निकलना कैसे है। हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से भी आती हैं, बहुत से तूफान आते हैं, कलेमिटीज़ आती हैं और ये बुरी बुरी सिचुएशनें पैदा होती हैं, कभी कभी आपका मुल्क जिसमें आप रहते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि वो जंग करता है, वो जंगी मुल्क है, वो मुल्क गरीब है, वो मुल्क पैसा खा जाते हैं अमीर लोग, और जो गाँव है वो गरीब हो जाती है, और कभी कभी उनके पास जो पैसा या वसाइल होते हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से आप पर भी असर हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में और इससे बहुत से मुल्कों में महंगाई बढ़ रही है और हमारे लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। याद रखें ये आजमाइशें नेचुरल तौर पर आती हैं और ये आती रहेंगी, ये रुक नहीं सकती, इन पर भी निकलने का तरीका खुदा के पास है और हम खुदा के वसीले से निकल सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको कितनी तरह की ख्वाहिशें किस किस तरह से आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। एक और बात जो है, जो ख्वाहिश आती है फॉर द सेक ऑफ गॉड, अगर आप जेम्स 4:12-16 पढ़ें तो आपको पता लगेगा, यकूब का खत उसका 4:12 और अगर 16 आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हमें बताता है कि खुदा की खातर, 4 की, याद रखें कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, माफ़ कीजिए, ये पहला पत्रस है उसके 4 में है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी में, पहला पत्र 4 उसकी 12-16 है, सुनिए ध्यान से, आए प्यारो जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें भड़की है, ये समझकर उसे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं श्री को खुशी करो ताकि उसके जलाल के जहूर के वक्त भी नहायत खुश व खुरम हो।
16 आयत में लिखा है, लेकिन अगर मसीह होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हमें आती है हमारे अपने गुनाहों की वजह से जो हमने सीखा, आजमाइश की वजह से, एक आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ख्वाहिश है जो है ना वो खुदा के लिए भी दुख आते हैं, आजमाइशें आती हैं जब आप खुदा के लिए कुर्बानियाँ करते हैं। दूसरे लोग अयाशी करते हैं, आप शायद नहीं करते। मिशनरियों ने, खुदा के सही लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, शिगिर्दों ने ऐसा कर दिया, पलूस ने ऐसा कर दिया, और उन्होंने अपने राम को तरक करके वो अपने रामगाह से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और उन्होंने खुदा की खिदमत करने के लिए दुख सहने के लिए तैयार हो गए। पलूस अपने घर रहता, अपना टेंट करता, अमीर आदमी था, खाता पीता कुछ भी नहीं, उसको किसी ने ना मारना था ना किसी ने कुछ करना था। अगर आप मसीह की खातर दुख सहते हो, मसीह के नाम पर चलते हो, रूल कुदस से भर जाते हो, खुदा का काम करते हो, शैतान से मुकाबला करते हो, इंसान आपकी मुखालफत करता है, आप अंजील की मनादी करते हो। मैंने एक शख्स को जानता हूँ, उसने मुझे बताया, मैं उस पर नबूवत कर रहा था तो मैंने कहा 7 बार खुदा ने तुझे मौत से निकाला है। वो शख्स कहने लगा आपको किसी ने बताया है? मैंने कहा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया, ये तो मुझे भी नहीं पता था, पाकरू बोला है, मुझे क्या पता तू हुआ था कि नहीं, तू मौत से निकला है। और वो गैर मसीहों में मनादी करता है, और उसने खुद मुझे बताया कि एक दफ़ा मुझे कंटेनर में बंद कर दिया था, ये जो बर्फ़ वाला होता है, ये जो फ्रीज़र नहीं होता जिसमें बर्फ़ लगी होती है, बंदा अंदर कर दो तो जम जाएगा, जैसे ये सब्ज़ियाँ जम जाती हैं आपके फ्रीज़र में, उसको बंद कर दिया। कहता खुदा ने मुझे वहाँ से भी बचा लिया। फिर खुदा कहते हैं एकदम मुझे बंदूके लेके आ गए, सारे ने मुझे यार मेरे सीने पे बंदूके रख दिया, अभी तुझे मार देना है। और मैंने दुआ की और खुदा ने फिर मुझे बताया, उसने मुझे कई वाक्यात बताए, मुझे खुदा ने 7 बार मौत से बचाया, हालेलुया। और वो उसको क्यों मारा गया? क्योंकि वो खुदा का बंदा था, वो किसी और मुल्क था, किसी और मुल्क में जाकर वो मनादी करता था। आपने मसीह की खातर भी मुश्किलें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मुश्किल आती है, कभी कभी हम सफ़र करते हैं, कभी हम दूसरे लोग अय्याशियाँ करते हैं, वो करते हैं, और हम खुदा की खातर नहीं करते, हम खुश होते हैं क्योंकि हमने खुदा उनको पहला दर्जा दिया होता है, हमने कुर्बानियाँ की होती हैं, हमने अपने बदन की कुर्बानियाँ देनी होती हैं, हमने अपने पैसे की कुर्बानियाँ देनी होती हैं, हमने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देनी होती हैं। और बहुत लोग यीशु की खातर शहीद हो गए, और आपको पता आसमान में सबसे बड़ा अजर किनको मिलना है? जो शहीद हैं, जो मसीह यीशु की तरह मसलूब हुए हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिन्होंने अपनी दुख सहे हैं। और जितना ज़्यादा भी हमने पढ़ा, जितना ज़्यादा दुख सहोगे उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर इस दुनिया में खुदा का ग्लोरी ठहर जाएगा, जलाल ठहर जाएगा। और जितना ज़्यादा जलाल ठहरेगा उतना ज़्यादा पाखरू आएगा, मज़ा आएगा, खुशी आएगी, लेकिन मुश्किलें ज़रूर आएंगी क्योंकि आपको तो मारने के लिए लोग फिर रहे हैं। कई लोग कहते हैं जी बिल्कुल मनादी नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए ताकि आपको कोई दुख ना पहुँचे। आप बाइबल पढ़ लें, पलूस क्या करता था? बुतप्रस्तों को जाकर बताता था तुम्हारे ये गलत है, तुम ये गलत हो, और कलाम की मनादी करता था। अब हम बड़े सफसी के डर हो गए अपनी जान बचाने के लिए, हम क्योंकि हमें लिखा उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा बल्कि मौत गवारा की। किस लिए? मनादी के लिए, शैतान से लड़कर, खुदा की सच्चाइयाँ बताकर। पूरी बाइबल पढ़ें, पूरी हिस्ट्री पढ़ें, लोगों को बड़े बड़े दुख सहने पड़े। साधु सुंदर को क्या किया? साधु सुंदर तिब्बत में गया था, वहाँ मनादी कर दें, उनको बताता है कि मसीह सच्चा, मसीह के पास आ जाओ, साधु बन के गया था। जब उनको बोला ये मसीह की बातें करता, हमारे जो हमारा अपना लीडर है जो है उसके खिलाफ बोलता है, उसको उन्होंने सी दिया खाल के अंदर और धूप में फेंक दिया ताकि मर जाए अंदर ही जब वो सूखती है। फिर एक दफ़ा उसको मार मूर के उसको एक ऐसी जगह डाल दिया कुएँ में, मैंने उसकी किताब में पढ़ा, उसको कुएँ में डाल दिया, उसमें मुर्दा हड्डियाँ ही होती हैं, और वो वहीं मर जाना था, इतना बड़ा ऊपर ताला लग जाता कोई वहाँ से छुड़ा भी नहीं सकता था। और खुदा ने मौजज़ा किया, खुदा ने उसको वहाँ से भी छुड़ाया। अगर खुदा हमें छुड़ाना चाहता है तो वो हमें छुड़ा सकता है। इसलिए ये मतलब नहीं है कि हम को बात ही ना करें, हम को सच्चाई के लिए बोलें ही ना, हमें दलेर होना पड़ता है, लेकिन बेवकूफ़ी से नहीं, खुदा की रूल कुदस की रहनुमाई में अक्लमंदी से, और ये करना पड़ेगा। और बड़े लोग शहीद हुए हैं सिर्फ मनादी करते हुए। अगर आप नहीं होना चाहते तो ये आपका चॉइस है, लेकिन बाइबल ये कहती है, आजमाइश इस तरह से भी आती है। और वो आजमाइश में कई लोग अरे बेवकूफ़ जी, बेवकूफ़ जी, इन पहले ही किया सी यीशु का नाम ले आकर, अब हम यीशु का नाम लेना बंद कर दें, हम ये बताना बंद कर दें। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मैं नया नया निजात पाई तो मैं बड़ा रूस से मामूर था, तो मैं कुटे थे तो हमारे FC कॉलेज के वेल्टी हाल है, आजकल भी वही नाम आ गया वापस, तो मैं उसमें रहता था। तो मेरे जो कमरे में 6-7 मुझे भूल गए 7 या 8 कमरे होते थे पूरे कॉरिडोर में। तो मेरे पास एक लड़का आया तो मुझे धोखा देने के लिए आया और कहने लगा मेरी माँ क्रिश्चियन है, मेरा बाप मुस्लिम है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटे आप खुदा से पूछो, मैं नया नया हूँ खुदा में, मुझे पता लग गया खुदा ज़िंदा है, वो आपसे बातें करेगा।
फिर उसने कहा जी आप बताएं, हमारे नबी को मानते हैं। मैंने कहा बुरा ना मनाना, अगर मैं उनको मान लूँ तो फिर तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। तो अब मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह को मानता हूँ, मेरी ज़िंदगी में मसीह ने काम किया है, तो मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं मसीह को मानता हूँ। दूसरे दिन 5-7 लड़के आ गए मुझे मारने के लिए, और मुझे पता लग गया 6-7 वो सारे जमा होकर मेरे कमरे, तू सुना साढ़े नबी के ख़िलाफ़ बोला। मैं कहा मैंने नबी के ख़िलाफ़ नहीं बोला, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, इसको पूछो मैंने क्या कहा। कहते जी आप कहते आपको इसको मानते नहीं। मैंने कहा यही इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मानते हो। मैंने कहा नहीं, हमारी बाइबल के मुताबिक हम नहीं मानते, हम मसीह को आखिरी मानते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, हालेलुया, और वो मुर्दों में से जी उठा है, और उसके वसीला से मेरी ज़िंदगी को निजात मिली है। अगर आप वो मार देते मुझे तो मार देते, नो प्रॉब्लम, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। कलाम में लिखा अपने करार पर कायम रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने वो किया, उसके बाद उन्होंने मेरे बड़ा ही मेरे मैं निकल के मुझे तजर्बा नहीं था, मैंने जल्दी से दुआ कि मैं सुखा सा होता था, जैसे मेरा बेटा ना ऐसे इससे भी सुखा था, जहाँ मैं जैसे डेवड़ा फिरता है सुखा सा, मैं इससे भी सुखा होता था, रोज़ रख रख के। मैंने कहा इन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैं तो वो बेहोश हो जाना है। मैं कह यसू गल सुन, इन्हें तो एडे लम्बे लम्बे आ गए ने, इन्हें हमने एक मारी ना तो मैं तो बेहोश हो जाना है। मुझे बता, मैंने उनके लिए दिल में दुआ की और उनको कुछ नहीं हुआ, चुप करके चले गए। मैं बहुत दुआ करता था कुटे, वो अभी निकल के गए, मुझे नहीं पता मुझे क्या, ये मेरा पहला तजर्बा था दुश्मनों से मोहब्बत रखने का, मुझे खुद नहीं समझ आई मैंने क्या किया। मैं घुटनों के बल हो गया, घुटनों के बल, मैंने उनके लिए इतनी बरकत चाही, इतनी दुआ की कि खुदा उनको बरकत दे, उनको निजात दे, उन पर ज़ाहिर हो जाए। आपको तो रिजल्ट क्या, ये खुदा की मर्ज़ी की बात है। कलाम में क्या लिखा है, जब तुम सलामती भेजोगे अगर वो सलामती के लायक होगा तो वो उन पर छह ठहर जाएगी, और अगर नहीं होगी तो फिर वो सलामती कहाँ आ जाएगी, वापस तुम पर आ जाएगी, उनके वो इस काबिल नहीं थे। 8 दिन के बाद मुझे पता लगा कि वो सारे लड़कों को ही हॉस्टल से निकाल दिया, उन्होंने आपस में सिर फाड़े खूब मरे, शैतान ने उनको ही इस्तेमाल, मैं को खुश नहीं हुआ। मैंने बड़ा अफसोस में जाके उनसे मिला मुला, मैंने कहा अच्छा आपको निकाल दिया, आप अब जा रहे हैं हमेशा के लिए यहाँ से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है आपको एफसी कॉलेज से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस टू स्टैंड फॉर गॉड टू प्रीच द गॉस्पल, और मैंने बड़े बड़े मुकाबले देखे हुए हैं। आप याद रखें, मैं आपको ये नहीं बारता कि बेवकूफ़ की तरह हमें बेवकूफ़ी वाली बातें करो, लेकिन अगर आपको सच्चाई का पता है और आपको वहाँ पर मसीह की गवाही देनी पड़ती है और आपको पता है कि गोली लग सकती है, तो जो मसीह ही है वो जो जिंदा जिंदा मसीह को जानता है, जिसको पता है मैं मर जाऊँगा इसमें, उसको नहीं डर लगता। मैं ये नहीं कह रहा आपको बार रहा कि आपको मैं कह रहा हूँ कि हम तुम जाके उल्टे काम करने शुरू कर दो, ऐम ही गालियाँ देने शुरू कर। मैंने आज तक कभी इन मुसलमानों के नबी को गाली नहीं दी, मैंने कभी उसके खिलाफ नहीं बोला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। मैं ये ज़रूर है कि जब वो मेरे से कोई बात करे तो मैं बताता हूँ कि देखिए जी आपके ये लिखा, मेरा ये लिखा है, मेरा जिंदा है, मेरे मिलता है, मुझे रूल कुदस मिला, तुम्हें मिला है। मैंने मौलवियों के एक दम मुझे उसने कहा, प्रोफेसर था एफसी कॉलेज में, उसने मुझे कहा, मैं उसको बताता गया, मैंने कहा देखिए मसीह ऐसे मेरे साथ ये हुआ जब वो पुल पर आया, हम चलते आ रहे थे एफसी कॉलेज के, उसने खड़े होकर तेने पता मैं कि जमात आया, मैं ओ बड़ी जी कि शरकपुर के कितों की जमात है, कहता मैं ओल दाबाद आया, हने मेरे को पिछले तू बोले एडा सोना आ, वरना मैं तेन हने ही गोली मार देनी सी। तो दिल से मैं कह मार दे, अगर खुदा की मर्जी तू मार ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूँ, मैंने सच्चाई को पेश करने में कभी खौफ महसूस नहीं किया। सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, आपने सच्चाई के साथ चलना है। आपने गालियाँ को किसी मजहब पर हम क्यों बोले, हमारी जरूरत ही नहीं, बाइबल कहती नहीं। हमारा काम है लोगों को बताना, अगर कोई समझना चाहता है, यस्सु जिंदा है सिर्फ, हालेलुया, यस्सु कुवारी से पैदा हुआ है, यस्सु वाद है जो मुर्दों में से जी उठा है, यस्सु निजात देता है, यस्सु पाकरू देता है, यस्सु के वसीला से मोजे होते हैं, यस्सु के नाम में लिखा बदरुए निकलेंगे, यस्सु के नाम से बीमारियाँ दूर होंगी, हालेलुया। हमने लोगों को बताना है कि यस्सु है सारा कुछ, डरना नहीं है, हमने बताना हम तुम्हारा कुछ नहीं, हम जाओ कह जी हमारा ज़्यादा, मैं कि तुम्हारा होगा तुम अपना करो, लेकिन हम आपको बताते हैं हमारा तजर्बा है, हम खुदा को जानते हैं। आपसे कभी खुदा ने बातें की, मेरे से 100 दफा की हैं, अब बताएं इसमें क्या डरने की ज़रूरत है। अगर आप 2-4 आपको लगा भी दें तो कभी आपने यस्सू की खातर को मार खाई है, तजर भी उसी के हिसाब से मिलना है। मैं कभी कभी रोया करता, मुझे तो कभी एक थप्पड़ नहीं खुदा तूने पढ़ने दिया, हालांकि मैंने बहुत बहुत रिस्की काम किया हुआ है, मैंने बहुत काम किया है, और मैं सारा कुछ नहीं स्टेज पर बता सकता, और खुदा ने मुझे कोई डर नहीं लगता कि हाय असं तो मर जावे, सानू गोली लग जाएगी, सानू आ हो जाएगा। अरे भाई तुम्हें लगते है तुम तो गोली से डरते हो, हम तो गोली मांग रहे हैं। किस लिए? जानबूझ के बेवकूफ़ी गुनाह करके गालियां दे के झूठ बोल के नहीं, कैसे? यस्सु की गवाही देते हुए, हालेलुया।
इसलिए याद रखें, आजमाइशें इससे भी आती हैं, जब आप मनादी करते हैं, जब आप खुदा का काम करेंगे, जब आप सच्चाई बोलेंगे। बास का तो आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, किया जाता था, पलूस को पकड़ के उन्होंने अंदर मार मार के डाल दिया था। आज तो कोई पलूस बनना नहीं चाहता, आज तो हर कोई ये चाहता टाई लगा के सोना जी मीटिंग होवे, सोने जी टेंट लगे होने, हालेलुया दे नारे लगते हो, तो ये खुदा का काम हो रहा है। तो फिर आज तक बताएं आपने जीता क्या है? आपने एक रूह नहीं दूसरे गैर कौमों में से जीती। आज तक आपने वो मसीहों को जो घर में आते हैं खींच खूंच के दो चार ले कुछ ईमानदार इकट्ठे कर लिए। व्हाट हैव यू डन फॉर द लॉर्ड? आपने खुदावंद के लिए क्या किया है? आपने खुदा की जो ग्रेट कमीशन था क्या लिखा है? सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। आपको यह पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त लाखों लोग हैं जो अपनी जान तली पर रख के तमाम गैर कौमों में मनादी कर रहे हैं। आई नो मैनी, बहुत लोग दुनिया में कर रहे हैं और खुदा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं और वो डरते नहीं हैं। वो कहते हैं सच्चाई पेश करना ज़रूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे कि उनकी वजह से 100 लोग बच रहे हैं, हज़ारों बच रहे हैं, और जब तक पेश ही नहीं करेंगे तो वो कैसे बचेंगे? इसलिए याद रखें, जब खुदा की मिलादी की जाती है तो उसकी वजह से भी आजमाइश आपके ऊपर आती है, और आप मसीह की खातर दुख सहोगे तो फॉर द सेक ऑफ गॉड आपको ऐसा होता है। और जेम्स 4:12-16 मैंने पढ़ा दिया, मैथ्यू 5:10-11 में आपको याद है कि तुम क्या करोगे? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे। किसके सबब से? रास्तबाजी कौन है? हमारी यीशु मसीह, उसके सबब से सताए जाएंगे। और लिखा है कि तुम मुबारक होगे, और क्या करना जब लोग तुम्हारी इसमें हक बातें करेंगे और तरह तरह की, क्या करना तुमने? परेशान हो जाना, खुशी करना और शादमान होना। हालेलुया, इधर को नारे लगा रहा है, मुझे उसका पता है। कभी होता आपके साथ मसीह की वजह से कुछ? वो मसीह की वजह से कभी सुना आपने कि नहीं सुना? कभी हुआ कि नहीं हुआ? जब होता है तो फिर आपको पता लगता है, मज़ा भी उसी में आता है। हालेलुया। लेकिन इन सब आपको मैं बताना चाहता हूँ हाल क्या होता है। आगे एक और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपको बता चुका हूँ, बाई सेठन शैतान की वजह से भी हम आजमाइश में गिराए जाते हैं, क्योंकि है ही उसका नाम आजमाने वाला। वो तो ढूंढता ही रहता है कि किसी ना किसी को गुनाह में गिराए, कुछ मुश्किल में डाले, कोई मुसीबत में डाले, किसी के बीमारियां लग जाएं, किसी को तबाहियां हो जाएं, कोई खिदमत ना कर सके, कोई दुआ ना करे, घरों में लड़ाइयां करा देगा, यही करे, पता नहीं क्या क्या करता है, आजमाइशों में डालता रहता है। मुझे भी 50 साल उससे मुकाबला करते हो गए, और ये नहीं है कि मैं हमेशा जीता हूँ। मैं 95% तकरीबन जीता था, 5% मैंने भी मारे खाई हूँ। ये नहीं समझना, जब हम जंग करते हैं तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप बेसमझी से लड़ते हैं। अगर आप समझ के लड़ते हैं, अगर आप डिफेंस भी पूरा करते हैं, फेंस भी पूरा करते हैं, तो आप गालिब आते हैं, आप जीतते हैं, आप दुश्मन के इलाकों में ले जाते हैं। इसलिए ये साल ग्रोथ ऐसे मिलती है, क्याम तब मिलता है जब आप दुआ ज़्यादा करते हैं, कलाम ज़्यादा पढ़ते हैं। और याद रखें कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें। इसमें बाहर निकलने के लिए अगर आप पढ़ें तो आपको कलाम पर निगाह देनी होती है। कैसे बाहर निकलें? आप कहें जी आजमाइशें तो आएंगी, वो तो नहीं रोक सकती। मैंने और खुदा कोई वादा नहीं कर रहा, आज जितने भी सुनेंगे मेरी आवाज़, सारे तो नहीं सुनेंगे, लाखों तो शायद ना सुने, शायद 2000 सुन लें बाद में, लेकिन सुन लें मेरी बात, आजमाइश से आपको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। पहली बात, उसे बर्दाश्त करना है। जब आजमाइश आए तो उसमें कायम रहना है, जैसे यूब ने किया था, जैसे पलूस ने किया था, जैसे डैनियल ने किया था, जैसे बाइबल में यूसुफ ने किया था। आजमाइशें आती रहीं, उस पर इल्ज़ाम भी लगे, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन उसको बर्दाश्त करना है। आजमाइश को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि खुदा जब ऐसा कोई आने दे तो। लिखा अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे यकूब का खत, उसका पहला बाब, तो उसमें बहुत प्यारी बात उसने लिखी है, क्या करना चाहिए आपको जब आप पर आजमाइशें आएँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो तुमने क्या करना है? बिल्कुल परेशान नहीं होना। उस वक्त क्या करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, पढ़ के 2:4 आता है। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? वो पढ़ेंगे तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। क्या समझना? खुशी की बात। अगर आजमाइश आती है तो खुशी की चैलेंज आता है, क्योंकि फिर क्या करना है तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। खुदा आपको साबर बना देगा, और सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र करो। कभी कभी आजमाइश की बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें से निकल। मेरे पे बीमारियां आई हैं, बड़ी बड़ी आई हैं, 1-2-3 दफ़ा मैं पूरा महीना बिस्तर पे ही चल ही नहीं सकता था। जब मुझे जॉन्डस हुआ था मैं बिल्कुल चल ही, मुझे पकड़ के लेके बाथरूम जाते थे, मैं चल नहीं सकता था। मुझे एक और बीमारी हुई थी, मैं पूरा महीना लोग मुझे दे दे कर रोते थे, कई मेरे अपने पूरा प्यार करने वाले।
मेरे से सब कुछ हुआ है, ये ना समझे कि मेरे वसीले कैंसर ठीक हुए हैं, रसौलियाँ गायब हुए हैं, हड्डियाँ ठीक हुए, बड़े बड़े काम हुए तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। होता है, हम उस आजमाइश में से जो मैंने सीखा, मेरा जब वैक्सीन में एक महीना रोता रहता था बैठ के, एक बहुत बड़ी किताब आई थी जो पता नहीं शैतान ने चुरा ली है, मेरे घर वालों ने चुरा ली है, पता नहीं किधर क्या किसने चुरा ली है, ऐसी ज़बरदस्त वो किताब है कि उस जैसा मुकाशफा दुनिया में बहुत कम लोगों को मौत का होगा, और मुझे नहीं पता इतनी सारी किताब 22 चैप्टर खुदा ने लिखवाए थे, और मैं खुद परेशान हूँ उस किताब के लिए, मैं चाहता हूँ वो किताब आ नहीं, उसमें ऐसे ऐसे मकाम मैं खुद पढ़ता था, मैं कहता ये कहाँ से आए थे, और मैं रोता रहता था सारी रात बैठ के, और मेरे हाथ ये वाला काम नहीं करता था और ये वाले से मैं लिखता रहता था, और खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा आजमाइश में से बहुत अच्छे रिजल्ट निकालता है, आमीन, जो उसकी बर्दाश्त करता है। अय्यूब के सब्र का हाल तो आपने पढ़ा ही है, क्या हुआ था, खुदा ने फिर उसे क्या कर दे दी थी, प्रमोशन दे दी थी, हालेलुया, आजमाइश के बाद प्रमोशन आती है, तरक्की आती है, आपका ईमान प्योरीफाई होता है। और याद रखे कि 2 से 4 कहता है सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ये कामल करती हैं आजमाइशें जो हैं वो कामल करती हैं, अगर हम उनको डील करें सही तरह से उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। याद रखिए कि खुदा आपके ईमान को तक, पतरस कहता है कि तुम्हारा ईमान जो है ना वो सोने की तरह बन जाता है, प्योर सोना, गोल्ड जिसे कहते हैं, प्योर गोल्ड जिसे कहते हैं, कुंदन जिसे कहते हैं उर्दू में, ऐसा ईमान आपका बना देगा खुदा कि आप उस ईमान के वसीला से सब चीज़ों पर, उसकी 7 आयत में लिखा है, पतरस का पहला खत उसका पहला बाब 7 आयत में लिखा है, बल्कि मैं 6 से ही पढ़ देता हूँ, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए ज़रूरत की वजह से भी तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त ऐसे ईमान की क्या होगी, तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। हालेलुया, जब हमारी ज़िंदगी में ईमान आता है हमारा ईमान प्योरीफाई हो जाता है। और बस मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये आखिरी बात है, याद रखें कि यहाँ पर लिखा हूँ, अब होगा क्या, इसमें से रिजल्ट क्या निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे या बुरे निकलेंगे, बताइए मुझे, अब तक जो आपने सुना है आजमाइशें आ सकती कि नहीं आ सकती, आती रहेंगी, आज के बाद तैयार हो जाएं। इस साल में आपको किसी ने हमें गलत प्रोफेसर साहब ने तो कहा था हम बड़े कायम हो जाएंगे, और ऐसे तो कायम होना है, जो आजमाइश की बर्दाश्त कर लेंगे, जो आजमाइश पर गालिब आने का तरीका सीख लेंगे, जो आजमाइश के वसीला से उससे बाहर निकलने की राह भी पैदा कर देता है, आमीन। अब जब आजमाइश है तो करना क्या है, और राह ढूंढनी है, खुदा का रास्ता बनाता है, फिर खुदा तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुम्हें आजमाइश में डलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, क्या करेगा, उसके साथ राह पैदा कर देगा। अगर आजमाइश है तो करना क्या है, राह ढूंढनी है, और वो राह यीशु मसीह है, वो राह खुदा का कलाम है, वो दुआ की राह है, वो रोज़े की राह है, वो रफाकत की राह है, खुदा के लोगों के साथ, वो खुदा के खादमों से मदद लो, सारे मिलकर उसमें से निकलने की कोशिश करो, हालेलुया। और फिर क्या होगा, आइए आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट लिखा हुआ है बाइबल में, आइए मेरे साथ पढ़िए 4थी बात, आखिरी बात, ओवरकम बाई द फेथ विक्टोरियसली। याद रखिए, खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के कलाम के बता, यही पलूस करता था, पलूस को जितनी मुसीबतें आई हम जैसे किसी को कुछ भी नहीं आई, जितनी आजमाइशें उसको हैं वो तो भूखा भी रहा, लिखा हुआ है, आप में से कोई यीशु की खातर, उसके नाम की खातर, उसकी वीडियस में भूखा रहा, कोई हाथ दिखा सकता है जो यीशु की खातर भूखा रहा हो, और रोज़े रख के नहीं, वो तो आपने पर्पज़ली अपनी बरकत के लिए रखे होंगे, वैसे खुदा का काम करते करते आप भूखे भी रहे क्योंकि खुदा ने आपको कहा ऐसे करो, कभी खुदा की खातर आप भूखे रहे, मैं खुदा का शुक्र मुझे ये भी मौका मिला, और मैं रोया करता था और मैं धाड़े मारता था और मैं कहता खुदा मेरे लिए इतना खाना इतना कुछ, और खुदा कहता तुझे ठहरना है, और मैं भूखा भी रहा कई दफ़ा 18-18 घंटे में, एक खिदमत के अंदर मैंने नहीं खाया, और मैंने वो खुदा के जलाल के लिए अपने आप को कुर्बान किया। मैं ये कोई इतने बड़े दावे नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है खुदा खातर भूखा भी रहना पड़े, कभी कभी खुदा की खातर भूखे भी रहते हैं, और वो कहता है मैं भूखा रहना भी जानता हूँ और शेर होना भी जानता हूँ, हालेलुया। फिर खुदा शेर भी करता है, वो हमें अच्छी अच्छी नेमतों से शेर करता है, और अगर कभी नहीं भी मिले तो खुदा पे इतराज घुटने टेक लेने हैं, दुआ करनी है, रोना है, गहरे तजर्बे हो जाएंगे, वो खुद आपके साथ आ जाएगा भूख में, और वो आपको मुहैया भी करता है। बाज़ लोग सिर्फ यही चाहते हैं, और याद रखें इन सब हालतों में कभी इंसानों पर भरोसा ना करें। मैं हर शख्स को ये सिखाता हूँ, किसी मिशन पर, किसी ग्रुप पर, किसी बंदे बंदी पर आप आस ना रखें, आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दें,
आप अपना आप खुदावंद को दें। जब आप खुदावंद को देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपको बरकत मिलेगी, हालेलुया। फिर आपको तजर्बा होगा, गहरा होगा, फिर कहेंगे वाकई खुदा खुदा है। मैं आपको बताऊँ, मुझे भी कई दफ़ा ऐसी ज़रूरत होती है, ये नहीं कि मेरे कभी नहीं होती, मेरी बड़ी ज़रूरियात होती हैं, मेरी बॉडी बड़ी होती है, मैं क्या, मैं किसी बंदे पर तकिया नहीं करता, प्यार मैं सारों को करता हूँ, मैं कभी नहीं उम्मीद रखता मेरी बहन करेगी, मेरा रिश्तेदार करेगा, मेरा दोस्त करेगा, मेरा फलाना, नो, आई टॉक टू गॉड, मैं खुदा से रोता हूँ। जब ज़्यादा ज़रूरत है फिर मैं और रोता हूँ, फिर ज़्यादा से फिर मैं और रोता हूँ और दुआ करता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, ईमान ला कर मैं दुआ करता हूँ। अब तो मुझसे रोज़े नहीं रखे जाते, पहले मैं बहुत रखता था, और मैं जब रोज़े रखता था दुआ करता, फिर खुदा ऐसे ऐसे काम करता था और मुझे इतना कुछ मुहैया कर देता था कि वो जो कुछ मैं माँ मेरे ख्यालों से बढ़ कर देता था। जिस्मानी तौर पर भी किसी भी चीज़ के लिए शफा लेने नहीं मिली, और रो और दुआ करो, हो सकता है खुदा ने आपको लेके जाना हो, आप प्योरीफाई हो जाओगे, आपका आपका अमल हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे आसमान पे जाने के लिए। आपको पता है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत देना चाहता है। बस मैं आखिरी याद पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ पढ़िए, दो आयते हैं। ये ऐसे होगा उनके साथ जो मेरी आज की बातों को समझ रहे हैं, और याद रहे आठ बाब रूमियों के नाम पलूस रखा तो उसका आठ बाब उसकी 37 से 39 आयत में पलूस अपने सारे वाक्यात बयान करने के बाद कहता है, कहता है मगर उन सब हालतों में, बल्कि मैं पढ़ ही देता हूँ 36 आयत में 35 से पढ़ता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी, ये आ सकती है कि नहीं आ सकती, बोलो आ सकती है, या जुल्म, हो सकता जुल्म के नहीं, या मसीह के नाम पे जुल्म, या क्या लिखा आगे, जुल्म या काल भी आ सकता है, महंगाई, परेशानी, खाना पीना नहीं, या नंगापन, कपड़े ही ना हों, कपड़े ही उतार लें, नंगा कर दें आपको, ऐसा करते हैं, मारते हैं, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, मैं उसको नंगापन या खतरा या तलवार, अभी तो खतरे में वेख के कहने हैं बड़ी सोहनी है तरटी है, अकलमंद जो है वो खतरे, वो खतरा और तरह का है, जहाँ पर खुदा ने आपको नहीं भेजा होता। जब खुदा आपको भेजता है खतरात के लिए मनादी करो और तैयार हो जाओ, कुर्बान भी हो सकते हो, तो फिर आपको खतरे से भागना नहीं होता, फिर आपको गवाही देनी होती है जो यीशु कहता है। मैंने आपको एक जिंदा गवाही देता हूँ, कई बार दी है मैंने, मुझे खुदा ने कनाडा में भेजा, उसमें मुझे पता था मुझे हो गया, मैंने चले जाना, मैं तैयार था, मैं अपने आप को और तैयार कर रहा था, मुझे पब वहाँ सारों ने मुझे फ़ोन करके कह दिया था, हम अपने बहन भाइयों को जाने दे रहे, और बहुत लोग यहाँ पर, और मेरी उम्र के कितने वहाँ मरे भी हैं, अभी मरे एक और अजीज़ मरा हफ्ता दो हफ्ते पहले, क्रिसमस पहले, आपको बताना इतने मरे हैं, मैं चला गया था, मुझे पता था और मैं तैयार था, अगर मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि खुदा ने भेजा है। उस वक्त ये नहीं कहना खुदा हम तेनू समझ होनी चाहिए होती है, मैं भी ऐसा पहले कह रहा, खुदा ने कहा अपनी सुननी कि मेरी बात सुननी है, जब आपको खुदा भेजे उसके लिए ये आयत नहीं, फिर टाइम सारे वो आयत बोल देते हैं, दना खतरे को देख के छुप जाता है, अरे भाई वो खतरे हैं जिनके लिए आपको खुदा ने नहीं भेजा, वो दुनिया में आपके लिए आ रहे हैं, वो आपने खुद आपने अकल करनी है, मतलब मेरे ये ज़्यादा ठंड हो तो मैं तो नहीं ऐसे निकलता बगैर कपड़ों के, मैं तो खतरे के बिल्कुल मुताहत हो जाता हूँ, जहाँ मुझे पता लग जाए कि ये मेरे लिए नुकसान दे मैं वहाँ नहीं जाता, मैं अस्पतालों में नहीं जाता, मैं क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है, मैं वहाँ पर छुपता हूँ, वो बात है जो मजबूरी है, वो दुनिया में आप अपने आप को बचाएं, लेकिन जब खुदा कह दे तो फिर बचाना नहीं, अगर पलूस बचाता रहता तो फिर ये उसके साथ कुछ भी ना होता, उसको सब चीज़ों में जाना था खुदा के कहने पर। और लिखा है हम चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, हम मेरे पीछे बोलिए ईमान के साथ साहब ने बोलना है, मगर मैं बहुत कम आवाज़ पा दी, मेरा ख्याल इन्होंने खास लामे के ना बोलन, इधर की आवाज़ ही नहीं आती, बोलिए मेरे पीछे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से, किसके वसीला से, यीशु के वसीला से, बोलो मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से, यीशु के वसीला से, जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको, बोलो मुझको, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया, 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 रिजल्ट क्या निकलता है, फतह, सक्सेस, कामयाबी। अगर आसमान पे भी चले जाएं तो कामयाबी है या फेलियर है? अगर एक बंदा कामल होके आसमान पे चला जाए, इससे बड़ी को फतह है जो अपनी दौड़ को मुकम्मल कर ले और खुदा के पास पहुंच जाए। एक मसीही के लिए सबसे बड़ी फतह ये नहीं है कि शिफा मिल गई है, उसके लिए ये है कि वो कितने भी हालात में से गुजरे, अगर खुदा का टाइम आ गया तो उसके लिए तैयार है।
लेकिन हम दुआ करते हैं, हम मांगते हैं, ये हमारा हक है, लेकिन मर्जी खुदा की है। लेकिन हम जो ना हर बंदे के लिए मर्जी नहीं है, किसी ने मरना ही है। हर एक की बीमारी मरने के लिए नहीं है, हर एक की आजमाइश मरने के लिए नहीं है, हर एक की आजमाइश जो है वो प्रमोशन देने के लिए, ज़्यादा देने के लिए, डबल देने के लिए, यूब की तरह। इसलिए ये नहीं कह देना कि ज़रा सा बीमार है, पता नहीं शायद मेरी कोरोना हो गया तो मैं कहा खुदा ठीक है मैं तैयार बैठी हूँ। अरे भाई तैयार भी रहो तो मांग सकते हो, दुआ करो कि खुदा मैं यस्सू के नाम से खड़ी होती हूँ, यस्सू के नाम से खड़ा होता हूँ, और मैंने इसमें से निकलना है, और मैंने ज़्यादा प्योरीफाई होकर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? मेरा बहुत दिल चाह रहा, बहुत कुदरत आने वाली है। मेरी दरख्वास्त है जल्दी से क्वायर से ऊपर आ जाए और पहले हम अपने हदियाजात दे दें, क्योंकि मैंने आपके साथ 8-10 मिनट दुआ करनी है। बड़ी कुदरत आएगी, मुझे खुदा ने बताया हुआ है ये कलाम जो है, अगर आपने इसको याद रखा, इस पर अमल किया, यू आर गोइंग टू, हदिया उठाना शुरू कर दीजिए। आपको तैयार होना रहना चाहिए हर वक्त 24 घंटे। जल्दी से ज़रूरी नहीं है कि गीत शुरू हो तो फिर उसके बाद आप करें, पहले हम हदिया उठाएँगे, फिर मैं 10-15 मिनट आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। मुझे पता है खुदा ने आज बड़ा काम करना, खुदा ने मुझे कहा मैं जो नाम ले लेकर आज हम दुआ करेंगे सारे खादम, और जैसे हम दुआ करते जाएंगे वो मौजज़े होते जाएंगे। अगर आपका ईमान है, ये शर्त है साथ ईमान की, यीशु ने भी कहा था, यीशु ने भी कहा था, जा बेटे तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा बेटे तेरे ईमान ने तुझे, तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो। जल्दी से कीजिए, हदिया उठाना शुरू कर दीजिए, देर ना कीजिए। मैं चाहता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन कलाम देना भी ज़रूरी था, गवाही देना भी ज़रूरी था, लोगों का थोड़ा सा हमने इंतज़ार भी किया है। हालेलुया, और खुशी के साथ दीजिए। नए साल में नए तरीके से देना शुरू करें। आपको मैं बता देता हूं कि खुदा बहुत बड़ी बरकत आपको देने वाला है, उन सब को जो अपनी सारी आजमाइशों के बावजूद खुदा का हिस्सा खुदा के ज़ुर्म में ला देंगे, और हम आपकी मदद से और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 2 महीने हम थोड़ा सा स्लो इसलिए हैं कि लोग सर्दी की वजह से काफ़ी स्लो हैं। आप देखेंगे मार्च के महीने तक जैसे मौसम खुल जाएगा तो हम बहुत से लोग हमारे दरमियान जमा होंगे, और खुदा बहुत से लोग आना चाहते हैं। हमें पता, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन कई वजूहात से वो नहीं आ सकते, लेकिन आपने बिल्कुल बेदिल नहीं होना। ये 2 माह हमारे तैयारी के हैं, बरकत के हैं, कुदरत के हैं, और मार्च में हम अपने रिजल्ट देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने खुदा के कलाम के मुताबिक जो है आपने खूब दिल भर कर, दिल खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। आप ये दीजिए, मैं भी देता हूँ। यकीन जाने मैं खुदा के सामने कह रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरियात थी तो मेरे पास कुछ पैसे मुझे खुदा ने दिए, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले खुदा का जो है ना उसके लिए दूँ। यकीन जानिए मैं कोई गलत काम नहीं करता, तुम्हें बताकर मैं तुम्हें अमाउंट नहीं बता रहा मैं क्या करता हूँ। मैंने बाइबल से सीखा है, मैं एहसान नहीं करता लैंप फेलोशिप पर किसी और पर, मैं खुदा को देता हूँ और खुदा से मैं मुझसे लेता हूँ। मैं आपको भी इसलिए सिखाता हूँ कि दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दहयकियाँ भी दो, हदिये भी दो, शुक्रगुजारियाँ भी दो, और अपने खर्चों को कम करके खुदा के लिए सैक्रिफिशियल गिविंग दो, कुर्बानी करो। और आप देखोगे कि जब आप कुर्बानी करोगे तो खुदा का जलाल भी उसी लेवल पे आप पे आना शुरू हो जाएगा। अभी आप थोड़ी देर में देते जब हम दुआ करेंगे, कैसे काम होते हैं। जो लोग तैयार हैं, आपका ईमान है कि खुदा मौजज़े कर सकता है, किसके ज़रिए से हम निकल सकते हैं आजमाइशों में से, मुश्किलों में से, प्रॉब्लम में से। के लोगों पर यकीन पर यीशु बारे मान है, हालेलुया। और आज आपने निकल जाना है इस गीत के फौरन बाद जो है, जल्दी कीजिए प्लीज। इसलिए याद रखें कि आपने खुदा की प्रसज करना शुरू करें, खुदा की स्तुतिश करना शुरू करें, और आज जैसे मैं कहूंगा आपने वो लोग खड़े होते जाएं और खादमों से दरखास्त है इस गीत के दौरान मेरे साथ ऊपर आ जाए। जितने भी खादम और खादमा हैं जो आ सकते हैं ऊपर आ जाए, और हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आज हमने नाम ले लेकर चंद मुझे 7-8 किस्म की बीमारियों के नाम खुदावंद ने कहे हैं, आपने आज जैसे उनके लिए हम दुआ करेंगे, खुदावंद अपने कलाम को जाहिर करेगा और खुदा इस कुदरत को जाहिर करेगा जो ईमान लाएगा। हालेलुया, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। जल्दी से ऊपर आ जाइए। हालेलुया, प्रसिद्ध करना शुरू कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब लोग जो हदिया डाल लिया खड़े हो जाए ताकि उनको पता लग जाए, और आगे आ जाइए, लाइनें बना लीजिए, क्योंकि आज एक बड़ी बरकत हमने लेके जानी है। खुदा ने कहा था कल वो आएगा और वो आ चुका है, उसने कलाम कर दिया है, उसने आपको गलबा दे दिया। गीत गाएं, प्रस्तुत करें, तालियां बजाएं। भाइयों से दरख्वास्त है वो राइट साइड आए, राइट साइड के भाई आए। यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए, मांगिए खुदा का मसा, खुदा के पाक रूह की आग मांगिए।
एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए, एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए। सब कहें एलिया नबी के मसा से बेहद, यानी उसकी कोई हद नहीं। जी मसा की तड़प मुझ में लगा, प्यारे यीशु जी मसा की तड़प मुझ में लगा, प्यारे यीशु जी मसा की तड़प मुझ में लगा। भूख प्यास रूहे पाकी मुझ में भड़ा, भूख प्यास रूहे पाकी मुझ में भड़ा। प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए। दाऊद की तरह जेर करूं मैं दुश्मन को, दाऊद की तरह जेर करूं मैं दुश्मन को, दाऊद की तरह जेर करूं मैं दुश्मन को, उसकी तरह ऊंचा करूं मैं तेरे नाम। दाएं तरफ बहन भाइयों से दरखास्त, आगे आ जाए, वो बैठे ना रहे, दाएं तरफ वाले बहन भाई आ गए हैं। ओ प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए। घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं, घंटों घंटे तेरे हुजूर सजदा करूं। ओ रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं, रात के पिछले पहरों में मिन्नत करूं, प्यारे यीशु जी रूहे पाका मसा चाहिए, एलिया नबी के मसा से बेहद चाहिए। प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे, प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे, प्यारे यीशु जी रूह का चराग जलता रहे। तेल न घटे तेरी आम तक ये जलता रहे, तेल न घटे तेरी आम तक ये जलता रहे। प्यारे यीशु जी रूह पाका मसा चाहिए, एलिया नबी मसा से बेहद चाहिए। मुझे मसा चाहिए, मुझे मसा चाहिए, मुझे मसा चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथ आसमान की तरफ बुलाएं, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं आपने करते जाना ईमान के साथ, और आप देखेंगे आपके मौजे होते चले जाएंगे। क्योंकि मैं खुदा की बहाव पर बोलने वाला हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं खुदा चाह रहा है कि हम सब अपने आप पर खुदा यीशु मसीह का लहू मांगे, कहें कि अगर आपने तौबा नहीं किया कि खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर, मुझे माफ़ करके मुझे धो दे और पाक कर दे। अगर आप ईमानदार हैं आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है तो कहें खुदा अभी अपने लहू से मुझे धो डाला रब खशिया। आप देख रहे हैं खुदा का लहू बहना शुरू हो गया, और खुदा ने कहा था मैं कल आऊँगा, और वो पिलर जो कल हमने लाइट का देखा था वो भी नीचे आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर है लेकिन अभी नीचे नहीं आया। जैसे आप लहू को पकारेंगे, मेरी दरख्वास्त है कुर्सियों पर कोई ना रहे, आगे आ जाएँ आप बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि इस खास हला हाला सा एक बन रहा है बड़ा, और खुदा
हमद उसके अंदर खुदा की जी बरकतें डालने वाला। मैं ऐसे नहीं आपको कह रहा, ये राइट साइड वाले भी कुर्सियों वाले आगे आ जाएं, आपके बच्चों पर आप हाथ रख लें जहाँ जहाँ हैं, और आप जो मीडिया पर देखेंगे या किसी तरह से भी देख रहे हैं, आप भी जहाँ जहाँ हैं, मैं वहाँ पर भी रू पता नहीं क्यों मैं आपके हाले से देखा ला होता, दरवाज़ा बना होता है, जैसे लाइट होती है, जैसे कोई जैसे कोई टायर जलाते हैं ना तो चारों तरफ उसके आग ही आग होती है, तो बीच में खाली जगह होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि यस्सू का लहू जो है वो इस जमात पर बह रहा है, क्वायर आप पर भी खुदाम चाह रहा है, स्पेशल मसा अपने खुदा को पुकारना शुरू, कोई जबान खामोश ना रहे, खादम भी पुकारे, मैं भी पुकार रहा हूँ, मैं खुदा के कहने पे आपको पहले बताया अब हम सब करेंगे, सब यस्सू का लहू मांगे, अपने रूह पर मांगे, जान पर मांगे, पाक मांगे, और कहें खुदाम हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यस्सू का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, हालेलुया हालेलुया, वो बर्रा के खून के सबब से अब्लीस पर उसकी ताकतों पर गालिब आए, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मार खाने से हमने शफा पाई। खुदा मैं सबसे पहले यह चाहता हूँ आज तेरे बेटे यस्सू का लहू, जब हम नूर में चलते हैं तो खुदा हमें गुनाहों से पाक करता रहता है, आज भी अगर कोई खुदा हुई है, कोई है, तेरी मर्जी से बाहर आ गए हैं किसी भी वजह से पूरे दिन में, तो अभी अपने लहू से मुझे धो डाल, मेरी सोचों को, मेरे जहन को, मेरी जान को, मेरे बदन को, मेरी रूह को आज धो दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लहू बह रहा है, और लहू काले काले दिलों में से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छुपी हुई थी, दिमागों में से निकाल रहा है, रबा खा या का तबारा सी का तबारा सड़ा रबरा बोलते जाए, क्योंकि खुदा का जितना जितना बोलते हैं, बहनों आप बोलो, जिन्होंने कुछ नहीं आता अभी कहो यस्सू मैं तेरे को नहीं आते को बनाया, अपने लहू ना मनु धो दे, मनु बदल दे, आज आज मनु ने आए बना दे, मैं फतह पावांगा, मैं ना जमाशा च गाल पावांगा, मैं बहुत ज्यादा फतह पा के बाहर निकलांगा लहू की वजह ना, हालेलुया रे बेरा काला रा भैया का तबरस जड़ा रा बरा, हालेलुया। याद रखे लहू आपके ऊपर काम करता है जब आप ईमान लाते हैं, जब आप दुआ करते हैं, खुदा का लहू काम कर रहा है आपके घरों में, अब अपने घरों में लहू मांगना शुरू करें, अपने बहन भाइयों के लिए, बेटे बेटे माँ बाप के लिए जो बीमार हैं परेशान हैं, क्योंकि उसके बाद हमने एक शफाती दुआ पे करनी है, और जो यहाँ नहीं है उनके लिए भी बड़े बड़े मौजे हो जाएंगे, हालेलुया रब हया कता बरा सरा बरा। मैं देख रहा हूँ फरिश्तों के एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो नीचे आना चाहता है और आपकी आवाज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप अपने घरों के लिए मांगे खुदा से, खुदा तेरा लहू वहाँ पर जाए, तेरे पाखरू की आग जाए, क्योंकि यस्सू का लहू ला महदूद है, क्योंकि यस्सू अब ला महदूद है, उसका लहू हर जगह काम कर रहा है, घरों में जा रहा है, जगह जगह जा रहा है, जिस किसी का आप नाम लेंगे, आप नाम लेकर यस्सू का लहू डालें, आप मुजज़ा पा लेंगे, क्योंकि खुदा का जलाल ही जलाल यहाँ पर बढ़ रहा है, शिकता बरा खत बरा जीड़ा बरा, हालेलुया हालेलुया। खुदा मेरे दिल में जो अला रबी अला रखा लिया खत बरा जड़ा बरा, कुछ लोगों ने मिन्नतें की हुई हैं खुदा हमारी, हम उनके लिए हम दुआ करें, हम उनके लिए दुआ करें खुदावन, हम उनके लिए दुआ करें खुदा जिंदा खुदा, आए बा मैं तेरा लहू लेकर उन घरानों पर डालता हूँ खुदा, उन अजीज़ों पर डालता हूँ, उन दुखी लोगों पर जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं, भेजी हैं या भेजते रहते हैं खुदा, आज मैं तेरा लहू लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे लोग बीमार हैं और तेरे लोग जो मुकद्दसीन हैं जिन्होंने मैं दरख्वास्त किया तेरा लहू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लहू में ऐसा नहीं खुदा के बंदे ने गीत बना दिया था, लहू में डुबोए, लहू में डूब रहे हैं, लहू ही लहू चारों तरफ, हालेलुया मसीह का लहू, कुदरत वाला लहू, हालेलुया हालेलुया रबा का शकता बरा जिंदा रबा रा। आप ऑलरेडी पाक हो चुके हैं, अब खुदा के वो अबर जो है वो और नीचे आ गया, और मैं देख रहा फरिश्ते जो हैं और ज़्यादा गौलों के गौल आ रहे हैं और चारों तरफ हमारे और वो नीचे उतर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि खुदा की आग वो हवाएं दे रहे हैं आग को, क्योंकि आग के शोले आने लगे हैं, अब रूह की आग के शोले, सब के सब दुआ करना शुरू करो गैर जबानों में, आसमानी जबानों में, रबा बाबा बाबा का शका ता 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 बाबा बाबा बाबा, जिन जिनको भी मिल रही हैं, जिनको नहीं मिली उनको भी मिल रही हैं, आपके मुंह में जो जबानें आ रही हैं वो बोल दीजिए, आप देखेंगे चश्मे जारी, आग या हालेलुया आग नीचे आ गई है, वो पिलर नीचे आ गया है, रबा का शाला रबा का बड़ा सा मीनार है आग का, और चारों तरफ आग के शोले ही शोले उठ रहे हैं, कुंवर में से कोई ऐसा ना रहे, खुदा के बंदे बंदियों में से कोई ऐसा ना रहे जो गैर जबाने ना बोले, क्योंकि आज आग हरा रबा का शकल हरा, आज कुएं से भर रहा है खुदा, आज आप में से हर एक को कुएं से भर रहा है, मुंह खोलो और बोलना शुरू कर दो जो कुछ खुदा दे रहा है, रबा का शकल भरा जड़ा भरा, हालेलुया। किसी फटती हुई जबानों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपके ऊपर ठहरना चाहती हैं, वो आपके अंदर रहना चाहती हैं, वो आपके वसीला से काम करना चाहती हैं, हालेलुया रबा हबे भैया खता बका शकता बरा जिंदा रबा खड़ा रबा रबा, हालेलुया हालेलुया। जो मैं बोलता जाएगा वो और ज़्यादा कुआं से भरता जाएगा,
रूह के वसीले से मांगिए, जो नहीं रोना शुरू करो, खुदा मैंने भी आज रूह और राग का बपतिस्मा लेके जाना है। सबसे बड़ी फतह यह है कि आपके अंदर खुदा आ जाए, खुदा का रूह आ जाए, खुदा की आग आ जाए, ममूरी आ जाए, कुदरत आ जाए, और आप हर लिहाज से फतह पर फतह पाते चले जाएंगे। रबा का शिका तबरा जड़ा रबा 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 हालेलुया, रबा का शिका तबरा जिंदा रबा खड़ा रबा का यका तबरा जड़ा, तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया। हम सब तुझे वेलकम करते हैं, पाखरू तुझे वेलकम करते हैं, प्यारे यसु हम तुझे वेलकम करते हैं, खुश आमदेद कहते हैं, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा हमदा बरा सीखा तबरा। आए बाप खुदा हमदो का खुदा, तू जो हमारे दरमियान उतरा हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे खादमीन को, मिनिस्टर्स को, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स हैं, उनको भी खुदा वेलकम करते हैं, जो प्रसिस करने में हमारी मदद कर रहे थे उनके भी के लिए शुक्र करते हैं खुदा, जो जंगजू हैं इस वक्त मौजूद हैं, हालेलुया। ओ तेरी आग ही आग आ रही है, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो खुदा हम, हालेलुया हालेलुया। अपने घरों के लिए भी रूह की आग मांगिए, एक या दो मिनट घरों के लिए आग मांगिए, हमारे घरों में रूह की आग नाजल हो इस साल में, हमारे घर में एक बंदा ना रहे, एक बंदी ना रहे, एक बच्चा ना रहे जो रूह और आग से ना भरा हुआ हो, और रूह और आग से भर कर खुदा के जलाल के लिए तैयार ना हो जाए। रबा का शिकाता बरा काला रबा का शिकाता बरा जिंदा रबा खड़ा रबा खड़ा रबा यड़ा रबा रा हालेलुया हालेलुया। रबा का शिकाता बरा जिंदा रबा खड़ा रबा रा हमारे घराने के वसीला से आग लोगों तक पहुँचे, रूह की आग, मसा, कुदरत, जलाल, कलाम, मोजज़े, नेमतें, रबा रबा रखा रबा जहरा, खुदा नेमतें नाजल कर रहा है, कहिए खुदा मुझे भी रूह की नेमतों से भर दे, और जो नेमत आपको चाहिए वो भी मांगिए, और कहिए खुदा और भी जो तू देना चाहता है मैं लेना चाहते हैं। रबा का शिकाता बरका रबा 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 याका तबरा जिना रबा याना रबा रबा हालेलुया हालेलुया। नेमतें आपके आप जिस्म के अंदर आपके अपने अंदर आ रही हैं, रूह कुदस की नेमत, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मांगते जाइए, हालेलुया। अगला हिस्सा आ रहा है अब आपने बीमारियों के नाम ले लेकर, जैसे मैं आपको सिर की सारी बीमारियों के नाम लें, अगर आपको नहीं है तो दूसरों की बीमारी को झिड़के, अगर आपके घर में किसी को है सिर की बीमारियां, गले तक जितनी बीमारियां हैं, चाहे कैंसर है, चाहे ट्यूमर है, चाहे कोई और चीज़ है, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, कहें यीशु के नाम से हर तरह की सिर की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, जिसका तल्लक ब्रेन के साथ है, साइकोलॉजिकल बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, जो भी गले की, दांतों की, मुंह की, कानों की, अगर कान बह रहे हैं यीशु के नाम में खुल जाएं, बोलिए यीशु के नाम में खुल जाएं, अगर गुंगी जबान है किसी वजह से बोलते नहीं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अंधों की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम में, सर से तलवे तक जितनी बीमारियां उस सारे बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं जो ब्रेन से चलती हैं, ख़त्म हो जाएं यीशु के नाम में, निकलो निकलो निकलो, अगर शैतान किसी वजह से ब्रेन को इस्तेमाल कर रहा, निकलो इसमें से, लानती हो रबा का शिकाता बरा खता बरा जड़ा रबा खड़ा या डरा, हालेलुया। आप सीने की बीमारियों के लिए दुआ करो, खादमों बोलो, मैं खादमों की बहुत आवाज़ कम सुन रहा हूँ, आप ईमान से बोलिए और ज़ोरदार ईमान के साथ, इख्तियार के साथ बोलिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे आपके मोजे होते जाएंगे, हालेलुया। ओ हाँ, इसी वक्त सीने की सारी बीमारियाँ, चाहे वो लंग्स की है, चाहे वो टीबी है, चाहे हम यहाँ पर किसी को या जहाँ हमने दुआ किया वहाँ पर निकल जाए टीबी, ओ सारा पानी यीशु के नाम में फेफड़ों से निकल जाए, दिल की बीमारियां चली जाए, गले की बीमारियां चली जाए, इन्फेक्शन चले जाए, हर तरह की बीमारियों जो सीने में लगती हो किसी भी तरह की हो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, हड्डियां अगर टूटी हुई हैं यीशु के नाम में जुड़ जाए, सीने के अंदर जो भी हड्डियां हैं या पसलियां टूटी हैं या एक्सीडेंट हुए हैं, हड्डियों यीशु का कलाम सुनो, तमाम हड्डियां सर से तलवे तक, चाहे वो दर्दे हैं, बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, नॉर्मेलिटी है, वो किसी चीज़ की कमियां, निकलो यीशु के नाम में, हड्डियों की बीमारियां चली जाएं, आर्थराइटिस चली जाए, जोड़ों की दर्दें चली जाए, हड्डियों की बीमारियों को कम देना शुरू करो, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ हड्डियों की बीमारियों को खुदा शिफा दे रहा है, ओ हालेलुया हालेलुया। घुटनों की हड्डियां किसी की ठीक हो रही हैं, किसी के अंदर की वो हड्डियों में प्रॉब्लम था वो खुदा ठीक कर रहा है, हालेलुया। किसी के बैकबोन में प्रॉब्लम था खुदा दोस्त को ठीक कर रहा है, शिफा दे रहा है, ले लीजिए शिफा, और बोलिए हड्डियों हड्डियों से जा मिलो, हड्डियाँ मुकम्मल हो जाएँ,
और जो बीच में गैप आए हुए हैं यीशु के नाम में पूरे हो जाएं, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हैं चढ़ी हुई हैं यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाएं, बिल्कुल नसें सारी की सारी नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया, पेट की सारी बीमारियां चली जाएं, जिनके औलाद नहीं है यीशु के नाम में आज ही औलाद के लिए आसमान खोल देते हैं और औलाद होगी। हालेलुया, निकलो इनके पेट में से, निकलो इनके, जिनके सौलियां हैं तरह तरह की, मैं देख रहा हूँ सौलियों को खुदा गायब कर रहा है, खुदा गिल्टियों को गायब कर रहा है, खुदा हर तरह की किडनी की बीमारियों को दूर कर रहा है, खुदा स्टमक की बीमारियों को दूर कर रहा है, मैदे की बीमारियों को, कई लोगों का ब्लैडर जो है उनके लिए खुदा मुआवजा करे। ईमान लाइए और ले लीजिए मुआवजा, क्योंकि इस वक्त खुदा इसी मुआवजा करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में लिवर की बीमारियां चली जाएं और जिगर की बीमारियों को हुक्म दो, निकलो मेरे बदन से, निकलो हमारे बदनों में से, हमारे खानदानों में से। ब्लड की बीमारियों को बोलना शुरू करो, यीशु का नाम लेकर, यीशु के नाम से उसको हुक्म दो, यीशु के नाम के सामने और उसके खून के सामने, उसके कलाम के सामने कोई बीमारी नहीं ठहरती, क्योंकि आपके ऊपर खुदा का पाक रूह है, आपके ऊपर खुदा का मसा है, आपके ऊपर खुदा का जलाल है। हालेलुया, 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 मौजो के लिए तरह शुक्र हो खुदा। छुपी हुई बीमारियाँ, पशीदा बीमारियां जा रही हैं और तरह तरह की बीमारियां जा रही हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद। आप अपने घरों के लिए दुआ करें, हमारे घरों से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएं, हमारे घरों से तफरके जुदाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हमारे घरों से सारी गंदी और नपाक गुनाहों की ताकतें निकल जाएं, शराबे, लड़ाइयाँ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, कमियाँ यीशु के नाम में निकलें, 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 निकलो, निकलो हमारे खानदानों में से, निकलो हमारे बहन भाइयों में से, निकलो हमारे रिश्तेदारों में से, कम आउट यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलना शुरू करो। खुदा आपके लिए मुहैया कर रहा है, हालेलुया, खुदा मुहैया कर रहा है आपके घरों में। हालेलुया, हालेलुया, जल रहे हैं, जल रहे हैं गुनाह और बदियां और शरारतें। हालेलुया, खुदा यीशु के नाम से रबा का शिकायत बरसा, रबा का डरा बर जा। हालेलुया, 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 हर तरह की कमजोरियां, बीमारियां, नॉर्मेलिटी, बच्चों की बुखार, हर तरह का कोरोना, हर तरह की वबाएं, निकल जाओ घरों में से, निकल जाओ हमारे चर्चों में से, निकल जाओ हमारी जिंदगियों में से। रबा का शिका तबारा जिंदा रबा कौड़े रबाई। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो खुदावंद। हालेलुया, खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े काम कर दिए हैं, अब हमारा वक्त आ गया है, अब हम कुचलने लगे हैं शैतान को। किसी के अंदर जादू तवीज़ है, कुछ है, अभी नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। खुदा के खादम और खादमाएं हम सब मिलकर कहने लगा, आपने भी कहना है, आपके अंदर भी यीशु का लहू है, कहें शैतान को, कहें तवीज़ को, धागे को, आपके खिलाफ जादू है, तवीज़ है, गंदगी है, गुनाह है, आओ यीशु के नाम से, आए शैतान, हम मिलकर तेरे सारे अमलों को बांधते हैं, हम घरों से निकाल दो दागो तवीज, निकाल दो हर वो चीज जो गलत है, यीशु के नाम से निकलो लानती हो, छोड़ो इन बदनों को, कम आउट, कम आउट, हर तरह की बदरू निकल जाएं, जादू तवीज निकल जाएं, गायब हो जाएं, और मुकम्मल तौर पर बदरों में से निकल जाओ यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासी के नाम से, यीशु मसीह नासी के नाम से। खुदा के खादमों को छोड़ दो, खुदा के बेटे बेटियों को छोड़ दो, खुदा के बंदे बंदियों को छोड़ दो, गुनाहगारों को छोड़ दो, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला। हालेलुया, 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 फतह ही फतह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी सताइश हो खुदावन, तेरी हमद हो खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हर तरफ आग ही आग है, अपने दोनों हाथ उठाकर उसका शुक्र करना शुरू कर दें। हालेलुया, आग का मसा, रूह का मसा, सिर्फ कोर्स गाएंगे, हाथ उठाकर कहिए शुक्रगुजारी के साथ, हालेलुया, रूह का मसा, आग का मसा, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, रूह के मसा के लिए, आग के मसा, ये है जो काम करता है, इसके वसीले से आपको बरकतें बरकतें मिलनी है, इसकी वजह से आपकी तरक्की होनी है, इसके वजह से आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया, पूरे पूरे घर बढ़ेंगे, हालेलुया, खुदा कह रहा है, पूरे पूरे खानदान भर जाएंगे। हालेलुया, रूह का मसा, आग का मसा, जोर का मसा भेज दे, रूह का मसा, आग का मसा, जोर का मसा, सब हाथ उठाकर कहे भेज दे,
हमको नया यीशु कर दे, हमको नया यीशु कर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे, रूह का मसा आका मसा जोर का मसा भेज दे, हालेलुया रूह सब कहें, रूह का मसा आग का मसा जोर का मसा भेज दे, हमको नया यीशु कर दे, मुझको नया यीशु कर दे, एक जो नया भर दे, एक जो नया भर दे, वो ही जो नया भर दे, तू एक जो नया भर दे। आइए एक मिनट के लिए सब शुक्र करें, अब सिर्फ शुक्र करना है, बहुत मांगा, बहुत दे दिया उसने, आपको दे दिया है, आपने ईमान से उसको रिसीव कर लिया है, इतनी कुदरत है, अगर फिर भी आप रिसीव नहीं करते, हासिल नहीं करते, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। आप नहीं मान लाएं कि आपको मिल गया है, कलाम में लिखा हुआ है, मुझे मिल गया, मुझे पता बहुत बरकत मुझे मिल गई है, आपको भी मिल गई है, हाथ उठा कर कहें खुदा हम तेरा शुक्र हो, कोई ज़बान खामोश ना रहे, एक या दो मिनट के लिए हमें शुक्र करना है, हमने इतना मांगा, इतने मिनट मांगते रहे हैं, तो हम दो तीन मिनट हमें दिल से शुक्र करना चाहिए, हालेलुया, खुशी से शुक्र करना चाहिए, मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा, अब्बा जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आसमानी बाप हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, यीशु के नाम में आपने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने हमें रूह से भर दिया, आपने हमें निजात दे दिया, पाक रूह दे दिया, खुशियाँ दे दी हैं, आज़ादी दे दी है, शफा दे दिया, मौजज़े कर दिए हैं, आओ हालेलुया, यीशु जी हम आपके शुक्र करें, आपके नाम में कुदरत है, आपके नाम से बीमारियाँ भागी हैं, शैतान भागा है, बदरुएँ भागी हैं, तवीज़ भागे हैं, हर चीज़ खुदा आपने यीशु के नाम से हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है, आपने हमें कुव्वत दे दी, आपने हमें ऐसी ताकत दे दी है कि इन सब हालतों में हमें फतह से बढ़कर गलबा मिल गया है, इसलिए प्यारे यीशु हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, पाकरू हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी शफात की, आपने हमें सिखाया, आपने हमारी मदद की, आप यहाँ पर आए और आपका आबर छाया हुआ है और आपके आग हमारे अंदर आ गई है, हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं, पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, अब हम सब के साथ साथ जाना, और अब्बा जी अपने फरिश्तों को भी हुक्म दीजिए जो गार्डियन एंजल्स हैं, इन सब के साथ जाएँ, और ये जैसे आए हैं वैसे सही सलामत अपने घरों में पहुंचे, कोई रुकावट ना आए, कोई किसी तरह का कोई मौसमी असर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, बल्कि आराम से अपने घरों में पहुंच कर तेरा शुक्र करें, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी बरकत के लिए, हम तेरे मकसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खादमों के लिए शुक्र करते हैं, तेरे बंदे बंदियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस छाए हुए अबर के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अब खुदा दम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, ये सब कुछ है बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा के सुमसी के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा की सखाई दुआ में शामिल होंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्सी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने कसूरानों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आपके साथ हो, एक मिनट दीजिए, सिर्फ दो या दो, एक या दो